हेलो स्टूडेंट्स मैं सेल्फ कमल सिंह सीएलसी मैथ्स फैकल्टी मैथ कैम के पेपर नंबर टेन में आज मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो उसका टॉपिक है पैराबोला तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ऑल दी डबल ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट से ऑफ द पैराबोला y2 lx इज अ पैराबोला So whose rectum is, so उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा आपने को यह बताना है तो देखो पैराबोला क्या आपके पास टू एलेक्स तो ये पैराबोला है? है? कोई लेटेस्ट रेक्टम लेते हैं टू पॉइंट आर एंड लेट्स आर एंड एस क्लियर है आर एंड एस सो दे आर डिवाइडिंग दिस

एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका एच रहेगा सो इसका एच और इसका मैं वाई कोऑर्डिनेट एल लेट कर लेता हूं क्यू का आपके पास में एक्स कोऑर्डिनेट एच रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस एल ओके सो अपने को अब एल की वैल्यू एच एल की वैल्यू क्या K के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है सो आर डिवाइडिंग दिस पी क्यू इन रेशियो वन इज टू टू तो वन इधर है और ये टू इधर है क्लियर है तो अपने को देखो इसमें सेक्शन फार्मूला लगाकर तो वन इन माइनस एल वन इंटू माइनस एल प्लस टू इंटू एल यह आएगा अपॉन थ्री ओके सो दैट विल बी इक्वल टू के वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर तो एक्स अपने को कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेम सो अब अपने पास में बेटा यहां पर आपके पास में एल इजिकल टू क्या आ गया थ्री के क्लियर है सो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास में देखो मैंने इसमें एल ले लिया तो इसको अपने क्या कर ले एल वन लेट कर लो एल वन ठीक है तो इसमें एल वन क्योंकि एल इसमें आपके पास में इसमें दे रखा है तो अब अपने पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए थ्री के अब ये किस पे लाई करता है? लाइज ऑन दी पैराबोला पैराबोला पे लाई करता है तो वाई स्केर इज टू बी सो नाइन के स्केर इजिकल टू सो बीव एल एक्स यानी LH. LH आ जाएगा सो के स्कर इज इकल टू

तो एम की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे वाई की वैल्यू पैराबोला में रखो तो पैराबोला में रखेंगे तो देखो क्या आएगा एम एक्स माइनस एल स्कल टू जीरो माइनस फोर ए एक्स इजिकल टू जीरो सिंप्लीफाई किया माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्केर माइनस फोर ए एक्स इजिकल टू जीरो फॉर्म में आएगा ठीक है अब इसमें इसमें तो इस से देखो आपके पास में टू एक्स कॉमन आ रहा है 2A X. तो M square plus 2, ये रहेगा अब वो line के दो डिस्टिंग रियल पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसके लिए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट है इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या है रियल और डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो उसके लिए क्या होगा डी मस्ट बी ग्रेटर देन तो आपके पास में प्लस टू होल माइनस स्क् ग्रेटर देन जीरो अब जब आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास में फोर ए स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया एमरेस्ट फोर सो यहाँ पे फोर एम स्क्र प्लस फोर माइनस फोर कॉमन एम प्लस वन दिस इज ग्रेटर रियल वैल्यूज ऑफ एम बट एम मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए अगर एम इज इक्वल टू जीरो हो गया सो दिस लाइन बिकम्स पैलर टू द एक्सिस पैलर टू द एक्सेस ऑफ दैराबोला तो वो तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी ना फिर इसमें तो एम क्या आपके पास में जीरो नहीं होना चाहिए सो वट इज सेट ऑफ ऑफ एम एम बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो तो जीरो नहीं लेंगे अब रीजन पता लग गया इसका अगर m एम इज टू जीरो हो गया तो ये लाइन क्या करेगी पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन

सो so, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी एक्स प्लस ए एक करके करेंगे सो व्हाट इज हियर तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी है डायरेक्ट्रिक्स तो क्या बनेगी एक्स माइनस एट अपॉन के प्लस के बाई फोर ये डायरेक्टिव होगी इक्वल टू तो जीरो एक्स प्लस ए तो ये एक्स हो गया सारा इसमें से ए निकालकर जैसे फोर ए की वैल्यू के बाई फोर है इसमें ऐड करेंगे तीसरी डायरेक्टिव अब अपने इससे कंपेयर करो एक्स माइनस वन इज इकल टू जीरो सो दे आर सेम तो यहाँ पे देखो आपके पास है माइनस वन दिस इज माइनस एट अपॉन के प्लस के बाई फोर इज टू माइनस वन इसके इक्वल ओके okay, इसको सोल्व कर लेंगे क्लियर तो दे आर आइडेंटिकल सो कॉन्स्टेंट टर्म मस्ट बी सेम तो अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एट के प्लस के स्क्र सो फोर के आएगा माइनस फोर के इधर सॉरी थर्टी टू दिस इज थर्टी टू ठीक है तो इसमें थर्टी टू आ जाएगा ना वी माइनस थर्टी टू प्लस इज इक्वल फोर के ओके सो के स्क् प्लस फोर के माइनस थर्टी टू इक्वल टू जीरो सो के वैल्यू माइनस एट एंड फोर आएगी ओके सो विच वन इज द करेक्ट हियर दे सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन सो नेक्स्ट क्वेश्चन

ले लेते हैं सो वट आर दैरामेट्रिक कोट ऑफ पॉइंट पी विच इंग इसको देखो ए

दिस कोड इज सब्टेंडिंग हम एच एंगल नाइनटी डिग्री तो अब ये देखो आपके पास में दिस एंगल्टी डिग्री ओके तो अब अपने कोड हो गई ये तो अपने पास में दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री सो व स्लोप ऑफ ओ पी क्लियर है इसका स्लोप आपके पास में कितना है एम ओ पी सो देट वी है तो स्लोप ऑफ Moq, ये अपने पास में कितना है तो तो so so हो गया तो इनका क्या आएगा आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल टू किसकेक्वल माइनस वन के सो टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस फोर तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में इसको हम यूज कर लेंगे ओके okay? अब नाउ सो so

तो इसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट h, k एट कर लेते हैं ना तो h, k इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ऐसे ये ट्राइंगल बनेगा आपके पास में ये g आ गया तो h, k तो इसमें अब h, k के, के जब आप इसमें x कोऑर्डिनेट के लिए लगाओगे तो आपके पास में क्या आ रहा है देखो h so we have 2t1 minus 8 upon t1 so this will be 3h इस फॉर्म में आएगा सो so 3h भी हैव इक्वल टू तो क्या आ गया आपके पास में सो टू टी वन माइनस फोर अपॉन टी वन इस फॉर्म में लिख लिया ओके okay? अब अपने पास में वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट में आपके पास में क्या आ जाएगा थ्री के इक्वल टू वट सो वन प्लस टी वन स्क्वेयर प्लस सिक्सटीन अपॉन टी वन ये हो गया सो दिस वी हैव थ्री के माइनस वन इस फॉर्म में आएगा थ्री के माइनस वन प्लस सिक्सटीन अपॉन टी वन स्क्वेयर अब आप इसका स्क्रिंग कर दो जब इसका स्क्यरिंग करेंगे ना इसका तो आपके पास में देखो तो यहां पर क्या आएगा टी वन स्क्वेयर प्लस सिक्सटीन अपॉन टी वन स्क्र वो उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो देन यू विल गेट द लोकस तो देखें तो इसका स्क्रिंग करेंगे इसका तो क्या आएगा नाइन स्क्र फोर एंड टी वन स्क्वेर प्लस सिक्सटीन अपॉन टी वन स्क्र माइनस एट यह रहेगा ओके सो पुट दैल्यूज ऑफ दिस थ्री के माइनस क्या हो गया आपके पास में नाइन एस्वेल टू फोर थ्री के माइनस वन माइनस एट ऐसा हो गया ठीक है तो अब आपके पास में नाइन एस्वेर फोर सो थ्री यहां से कॉमन निकल रहा है ना तो थ्री कॉमन निकाल लो सो के माइनस थ्री ओके, okay. so, से एसकेर टू तो फोर बाई थ्री के माइनस थ्री सो so, भी है एक्सकेर इजिकल टू तो फोर बाई थ्री वाई माइनस थ्री सो दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ़ द ट्राइंगल पी एस क्यू अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो आपके पास में आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकेंड वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ए पैराबोला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्रॉसेस क्रॉसेस दी एक्स एक्सेस तो एक्स एक्सेस को क्रॉस करता है ना तो ये एक्स एक्सेस एट अल्फा कॉमा जीरो एंड बीटा कॉमा जीरो बोथ टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ए सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द दीज टू पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से पास करता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल Clear है तो अब देखो ऐसे है अब ये आपके पास में क्रॉस करता है पैराबोला कहां पे ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ऐसा है इस टाइप से क्लियर है एट टू पॉइंट्स सो एट टू पॉइंट्स भी है अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो इस तरीके से नाउ ए सर्कल पास थ्रू दीज पॉइंट्स इस इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास करता है ऐसे. बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी इज इकल टू जीरो सो ना वी इन सर्कल सर्कल में आपके पास में एक प्रॉपर्टी है अब पॉइंट ओ सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन टू दर्कल ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपके पास में दिस बिकम्स ए

टेंजेंट ड्रा किए गए वो टेंजेंट्स ऐसे हैं कि दे आर मेकिंग एंगल थीटा वन एंड थीटा टू विद दी एक्स एक्सेस सो एंड द रिलेशन बिटवीन थीटा वन थीटा टू इज पाई बाय फोर ओके सो देखो अब इससे ऐसा आपके पास में देखें तो ये पैराबोला है तो ये पॉइंट पी लेट कर लिया मैंने एच कॉमा के क्लियर है अब इससे दो टेंजेंट ड्रा किए गए आपने ये टू दिस पैराबोला सो लेट्स अज्यूम दी इट्स स्लोप बी एम

सो इट थ्रू ये कहां से पास होती है इट पास थ्रू एचकोमा के एचकोमा से पास करती है वो इसको सेटिसफाई करेगा तो देखो के एम एच प्लस वन अपोन एम तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एम स्क माइनस एम के प्लस वन इजिकल टू जीरो ओके तो अब इसके अपने पास में देखो इसके में रूट्स क्या अलर्ट कर लेता हूं क्वाड्रेटिक आ गई एम वन एम टू लेट इट बी एम वन एम टू दिस इज क्वानिटिक इन एम सो एम वन इज नीटावल टू टेन थीटा वन एंड एम टू भीवल थीटा टू ओके तो अब अपने पास में देखो सम ऑफ सम क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे के अपॉन एच क्लियर है एंड वट इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है

पाई फोर तो यहाँ पे एम वन प्लस एम टू बन गया ठीक है इधर टेन भी तो टेन आएगा इसमें भी टेन टेन सो इधर पाई बाई फोर सो टेन पाई बाई फोर ओके दिस वन टेन पाई बाय फोर दिस वन हो गया अब इसमें बेटा वैल्यू डालनी है आपको एम वन एम so, टू सो एम वन प्लस एम टू भी है के अपॉन एच ठीक है है इधर क्या है? जब वन अपॉन एच रखेंगे तो उसका एल्सियम ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई माइनस वन दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी ओके इसको सिंप्लीफाई एच की जगह क्या रखेंगे एक्स और के जगह वाई रख देंगे सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेवेंथ क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट ऑफ जो कॉमन टेंजेंट आता है उसका वाई इंटरसेप्ट देखना अपने को, क्या होगा ओके okay, तो देखो तो अपने लेट कर देखो पैराबोला क्या है आपके पास में थर्टी टू एक्स और एक्स स्क्ल टू वन हंड्रेड एट वाई इस फॉर्म में दिया है

ओके okay, इसका ए कितना हियर तो इसमें से फोर अलग कर लेते हैं पने. तो ट्वेंटी सेवन आ जाएगा यहाँ पे C एट अपॉन एम क्लियर है अगर ये इस पैराबोला को टच करती है तो सी इज इकल टू माइनस होती है तो एम 27 सो so, वी है माइनस टू अपॉइंट थ्री

ओके okay? तो अब इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट भी है फोर ए फोर ए फोर ए फोर पॉइंट पी है वी सो क्लियर है अब अपने को ये जो नॉर्मल कोड है हाउ मच एंगल सबटेंड्स एट अब ये नॉर्मल कोड जो आएगी आपके पास में फोकस ए कोमा जीरो पे कितना एंगल सबटेंड करती है तो अपने को देखो ये नॉर्मल कोड अगेन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट क्यू क्लियर है तो अब अपने को ये पता है कि इसका अगर मैं ये कहता हूं इसके पैराबोला एट पॉइंट क्यू सो वट इज द रिलेशन बिटवीन दैरामीटर क्यू के पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है T1 इज इक्वल टू बी है ये रिलेशन होता है तो यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो तो आपके पास में कितना आ रहा है? टी वन कितना है? माँणस थ्री। माँणस थ्री हो गया तो 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 पे रखेंगे देखो ये कितना बना आपके पास में नाइन ए सो माइनस थ्री आ रहा ना सो so, यहाँ पे टू ठीक है माइनस थ्री सो so, ये बन गया आपके पास में नाइन ए एंड माइनस सिक्स ओके तो ये अब अपने को अब, अब यहां से इसका स्लोप निकालेंगे इसका स्लोप निकालेंगे तो हाउ मच एंगल द कोड पी क्यू एट दट इज द स्लोप ऑफ एम एस पी एम एस पी का स्लोप देखो कितना आता है आपके पास में फोर ए अपॉन थ्री ए सो दिस इज फोर बाई थ्री एंड वट इज द स्लोप ऑफ एस क्यू एम एस क्यू इसका स्लोप आपके पास में कितना आया माइनस सिक्स ए अपॉन एट ए सो दिस है माइनस थ्री बाई फोर तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे आपके पास में इनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो आपके पास में दैट इज इक्वल टू माइनस वन सो एम एस पी इन टू एम एस क्यू भी है माइनस वन सो दिस नॉर्मल कोड इज सबेंडिंग हाउ मच एंगल एट दी फोकस नाइंटी डिग्री सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन

ठीक है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या है उस पॉइंट से ए लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पॉइंट तो उस पॉइंट की जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है अब वो परपेंडिकुलर लाइन है कहता है दिस वेरिएबल लाइन ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने ओके तो देखो कैसे पैराबोला कैसा है द गिवन पैराबोला

ठीक है तो ये आपके पास में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी आपके पास में ये वाली आएगी सो so, इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या है इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई अब दिस बहुत सारी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना तो यू विल गेट द वेरिएबल लाइंस सो दे पास थ्रू ए वन फिक्स्ड पॉइंट तो उस फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो देखो पहले लेट पी जीरो वन वाई वन बी द पॉइंट ऑन टेंजेंट एट ऑन टेंजेंट एट वैक्स ठीक है टेंजेंट एट वर्टेक्स बेटा अब इसकी अपने सीओ सी निकालो सो सीओ सी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला तो पैराबोला की विद रिस्पेक्ट टू अपने सीओ सी निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास है वाई वाई वन एंड ट इज एक्स एक्स माइनस वाई वाई वन इज टू जीरो सो लाइन परपेंडिकुलर टू इट परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट यह देखना है तो लाइन परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू जीरो कोमा वाई वन तो अपने पास में क्या आएगा एक्स

ओके okay. अब ये लाइन देखो आपके पास में किस फॉर्म में है एल वन प्लस इज द फिक्स इज लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एक्स माइनस वन इज इकल टू जीरोल टू जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ वन कोमा जीरो

ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट Q एंड R ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टू कॉमा थ्री ऑन द पैराबोला तो इसमें देखो पॉइंट टू थ्री से इस पेराबोलो पे दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताने वेरी सिंपल तो देखो किस तरीके से आप देखोगे इसमें तो पैराबोला क्या है ओके सो okay? so, ये पॉइंट थ्री है सो so, कुछ नहीं इसमें सिंपल सा है इसको आप क्या करें लेट एम बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दैरोट टू कोमा थ्री सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स सो वट इज ए एज वन वन अपॉन एम इट पास थ्रू विच पॉइंट टू कॉमा थ्री सो यहाँ पे थ्री सो दिस इज टू एम प्लस वन सो वी हैव वन अपॉन एम सो वी हैव टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से टू एम स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू क्या क्या आ गई वन एंड वन अपॉन आ गई अपॉन एम स्केयर एंड टू ए अपॉन एम ओके ए की वैल्यू वन है आपके पास में जब आप वन रखोगे तो व्हाट वी गेट हेयर सो पी एम की वैल्यू वन एंड ए यू हैव वन जिस वन कोमा टू एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है आपके पास में वन अपॉइंट टू जब लेंगे वन अपॉइंट रखेंगे तो यू है 4 4 एंड 4 सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी

तो अपने देखो पहले इस पे टेंजेंट ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले इस पॉइंट क्या टू किस पे बोला क्लियर है अब अपने क्यू आर का मिड पॉइंट क्या लेट कर लेते हैं एच कोमा के लेट कर लेते हैं ठीक है ना सो लेट एच कोमा के दिड पॉइंट ऑफ क्यू आर ठीक है क्यू आर का मिड पॉइंट मैंने ये लट कर लिया सो दे इक्वेशन ऑफ द कोड फॉर दिस पेरोल टू एस वन टी इज इकल टू एस वन ओके तो अपने देखो पहले क्या करेंगे यहां पे के वाई टू एक्स प्लस सॉरी ये कितना है फोर ठीक है एक्स प्लस एच अपॉन टू प्लस बी ऐसा आएगा ठीक है तो टी इजिकल टू माइनस का इधर माइनस का रहेगा इजिकल टू उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखेंगे इसमें तो क्या आएगा के स्क्र माइनस फोर ए एक्स एच प्लस बी ऐसा आएगा ओके okay? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो देखो के वाई माइनस फोर ए एक्स प्लस एच प्लस टू बी अपॉन टू सो दिस इज टू सो दिस के स्क्र माइनस फोर ए एच माइनस फोर ए बी ओके अब इसको जब फिर अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो के वाई सो माइनस टू ए एक्स और माइनस टू ए एच माइनस फोर ए बी सो के स्क्र माइनस फोर ए एच माइनस फोर ए बी तो माइनस फोर ए बी ये कैंसिल हो गया तो so, अब देखो इसको टू ए एक्स टू एक्स प्लस के वाई इस फॉर्म में ले लेके स तो इधर क्या आ जाएगा के स्क्र के स्क्र माइनस टू एच इक्व टू जीरो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है सो दीज टू लाइन रिप्रेजेंट द सेम लाइन सो कंपेयरिंग देर कोफिशियंट भी है यहां पर देखो आपके पास में टू ए अपॉन टू ए सो दिस के अपॉन यहां पर माइनस का वाई वन इस फॉर्म में आएगा ठीक है तो इधर से माइनस का ये उधर उधर की तरफ ले माइनस का के वाई ये माइनस का है ठीक है तो ये माइनस का इज इक्वल टू के एच वन। ओके? तो यहां से देखो ये तो वन आ गया तो के इक्वल टू क्या आ गया वाई वन आपके पास में उसके क्यू आर के मिड पॉइंट क्यू आर का मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज वाई वन ओके तो यहां पर आपके पास में देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई एक होगा तो थर्ड और फोर्थ में तो नहीं हो सकता अब इधर देखें अपने इसको देखें तो यहाँ पर k अपॉन वाई वन ऐसा माइनस टू ए एच अपॉन टू ए एक्स वन तो यहां पे आप क्या इसकी वैल्यू डालो सो दिस भी है वाई वन ये कैंसिल एक हो जाएगा तो इसमें देखो क्या आएगा आपके पास में के स्क्र माइनस टू ए एच इजिकल टू टू ए एक्स वन इस फॉर्म में आ रहा है क्लियर है तो k की वैल्यू आपके पास में क्या है वट इज द वैल्यू ऑफ के यार वाई वन सो वाई वन स्क्र माइनस टू ए एच इजिकल टू टू ए एक्स वन अब देखो पॉइंट एक्स वन वाई वन किस पे लाई करता था इस पहला लाइंग ऑन दी दिस पेरा बोला ओके सो इसको सेटिस्फाई करेगा वाई वन स्क्र इजिकल टू फोर ए एक्स वन

है, है? Parabola उसके दाइट एंगल एट दर्टेक्स वो राइट एंगल सप्टेंड करती है सो देस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दू दैरावोला एट ए एंड बी तो देखो अपने को सिंपल क्या? क्या है पैराबोला का इक्वेशन क्या है वाई स्क्र इज इकल टू फोर एक्स सो ये कोड ले लो आप कोड क्या इसमें देखो ए बी ये कोड ए बी सो दिस सब 90 डिग्री एंगल एट व्हाट वर्टेक्स ओके तो इसके मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ एटी वन स्केयर टू सो इसके एटी टू स्केयर टू एटी टू सो वट इज द स्लोप ऑफ दिस

तो इनके जो टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका लोकस बताना है सो यू नो ऑफ इंटरसेक्शन टू सोट इज पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी ए और बी पे जो टेंजेंट ड्रा किए गए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी लेट करते हैं ठीक है अब पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होते हैं ए टी वन टी टू और ए दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है इसका ए t1 वन प्लस टी टू कोऑर्डिनेट का जीएम और y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन सो व्हाट इज टी वन टी टू वी हैव टी वन टी टू माइनस फोर सो p दिस इज माइनस फोर टी वन टी माइनस फोर है सो so, a t1 वन प्लस टी इस फॉर्म में आ गया अब यहां पे ये तो वेरिएबल है ना ये कांस्टेंट है तो जितनी भी कोड्स होंगी जो

तो नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्रायंगल फोन बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू फोर एक्स बोथ ड्रॉन एट द सेम एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम तो लेटेस्ट रेक्टम के सेम एंड पे ड्रा किए जाते हैं ना सो एंड द एक्सेस ऑफ दी पैराबोला तो देखो कैसा है पैराबोला क्या है वाई स्क्र इज टू फोर एक्स तो ये आपके पास में देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया दिस इज ए कोमा जीरो सो पी क्यू तो अपने ए कैंड ले, ले लेते हैं ये पी बेटा ठीक है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास में ए कोमा टू अब इस पर टेंजन ड्रा किया और इस पर नॉर्मल ड्रा किया ओके एंड नाउ दिस

और यू कैन राइट डाउन एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो निकाल लेते हैं जीरो तो so, तो है तो से पास हो रही है आपके पास में? इस P से. तो ठीक है ना इसके परपेंडिकुलर तो एक्स प्लस वाई माइनस के जो ए टू है तो के की वैल्यू थ्री आ जाएगी

व्हाट इज़ वाइट टू ए क्लियर है सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फोर ए स्क्वेयर सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फोर ए स्क्वेयर तो नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्राइंगल

तो एंड वर्टेक्स इज ए एंड पी ए एंड क्यू ए आर प्रोड्यूस्ड फर्दर जो आगे बढ़ाई जाती हैं जो डायरेक्टर्स को कहां पे मिल रही हैं डायरेक्टर्स को आर पे मिल रही है और टी पे मिल रही है क्लियर है तो फिर कहता है एंगल आर एस टी किसके इक्वल है तो देखो सिंपल सा है तो पैराबोला आपको पता नहीं है इसमें अपने लेट कर लेते हैं ना तो लेट द पैराबोला बी तो ये सभी पैराबोला में एप्लीकेबल होगा क्लियर है तो लेट द पैराबोला बी वाइस के रिजिकल टू फोर एक्स इस तरीके से तो देखो ये कोई फोकल कोड ले लेते हैं इसका फोकस क्या है आपके पास में ए कोमा जीरो फोकस इसका ए कोमा जीरो हो गया ना एस ए कोमा जीरो ठीक है अब दिस इज पी एस क्यू इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए ए टी वन स्क्र टू ए टी वन इसके कोऑर्डिनेट आपको ये पता है के लिए क्या होता है माइनस वन होता है टी वन टी टू इज इकल टू माइनस वन इस क्लियर है अब देखो यहां पे डायरेक्टिक्स है तो अब इसमें देखो यहां से वर्टेक्स है ये वर्टेक्स आ गया तो इस कोड को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया व इंटरसेक्ट द डायरेक्टिस एट पॉइंट आर ठीक है तो सिमिलरली एस यही कह रहा है सो क्यू है ये क्यू सिमिलरली ए क्यू क्यू ए आर प्रोड्यूज टू मीट द डायरेक्टिस एट पॉइंट टी ये टी पे टी पे इंटरसेट कर रहा है ओके okay? ये इस तरीके से तो अब अपने पास में ये एंगल फाइंड आउट करना है हाउ मच दिस एंगल सिप्टेंडेंट ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है बाय द टी आर एट एस आर एस टी आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा है आपको क्या है दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इज इक्वल जीरो इसका इक्वेशन ले लो इसका आपके पास में इक्वेशन क्या आएगा इसका सो इट्स इक्वेशन वी हैव टू अपॉन टी इसका इक्वेशन क्या होगा इक्वेशन ऑफ ए क्यू भी है y इक्वल टू टू अपॉन t2 x क्लियर है अब अपने पास में देखो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट t t के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए आपके पास में माइनस a माइनस a इसका इक्वेशन x plus a इक्वल टू जीरो तो माइनस a यहां डालेंगे तो दैट विल बी minus two अपॉन t1 तो सिमिलरली व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r ठीक है ये इसका लिया ना मैंने तो ये टी टू लेना यहाँ पे टी टू इसके लिए ठीक है सो तो ये टी के आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस ए माइनस टू को टी वन ओके सो इज था स्लोप ऑफ टीएस तो आपके पास में स्लोप ऑफ टी एस देखो क्या आ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट पता है आपको देखो ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस टू को टू अपॉन तो माइनस टू ए तो इधर माइनस टू ए सो दिस क्या आपके पास में तो इसमें ए ए की वैल्यू डाली थी ना एक्स इजिकल टू माइनस ए तो इसमें माइनस ए भी आएगा माइनस ए दिस इज एके एक्स इजिकल टू माइनस ए माइनस ए तो आपके पास में ये कोर्डिनेट आएंगे तो अब इसमें देखो ये ए आएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो भी है

प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप्स इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास में देखो तो वी आर गेटिंग हियर टी वन अपॉन टी टू ओके माइनस वन माइनस वन आ रहा है तो कंक्लूजन क्या निकला ये दोनों का जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वी है एंगल सब बाई दिस एंगल टी एस आर आर एस टी एंगल इज नाइंटी डिग्री सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखो टू पैराबोल वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस लेमडा वन एंड एक्स इज इक्वल टू फोर ए वाई माइनस लेमडा टू ऑलवेज टच इच अदर टू बी वेरिएबल वेरिएबल है किस कर लाई करता है, ये बताना है. तो अपने इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लेट कर लेते हैं एक्स वन वाई वन तो लेट एक्स वन वाई वन बी देर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है तो इस पॉइंट पे अपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो दोनों कर्व अगर अपने देखो इसमें दोनों कर्व अगर ऐसे टच करेंगे तो इसकी शेप ऊपर की तरफ होगी और ये ऐसे ये। इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा दैट विल बी आइडेंटिकल टू बोथ दी पैराबोला ठीक है सेम होगा दैट विल बी सेम टू बोथ टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ वाई वाई वन फोर ए एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू माइनस लेमडा वन इसको सिंप्लीफाई करेंगे वाई वाई वन सो दिस प्लस एक्स वन इस तरीके से माइनस टू लेमडा वन अपॉन टू सो दिस इज टू इसको सिंप्लीफाई किया तो टू ए एक्स माइनस वाई वाई वन एंड प्लस टू ए एक्स वन इस तरीके से माइनस का फोर लेमडा वन इक्वल जीरो तो सिमिलरली इस पैराबोला के लिए निकालो तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा एक्स एक्स वन सो टू ए वाई वाई प्लस वन माइनस टू लेमडा सो इसको एक्स एक्स वन इस तरीके से लिखा माइनस टू ए वाई माइनस टू ए वाई माइनस टू ए वाई वन प्लस फोर ए लेमडा ठीक है तो ये आपके पास में जैसे इधर तो ये ए आएगा यहाँ पे और ठीक है तो इस फॉर्म में आ गया अब ये इक्वेशन वन और टू रिप्रेजेंट द सेम लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कंपेयरिंग देयर कोफिशियंट तो यहां पे देखो आपके पास में क्या आ रहा है टू ए अपॉन एक्स वन इजिकल टू माइनस वाई वन अपॉन माइनस टू ए टू टू एक्स वन ओके okay? तो यहां से देखो आपके पास में इससे आपको लोकस मिल रहा है तो किस अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू फोर ए स्क्वेयर सो पॉइंट एक्स वन वाई वन लाइज ऑन xy वाई इज इक्वल टू फोर ए तो ये किसका इक्वेशन होता है हाइपरबोला का सो पॉइंट एक्स वन वाई वन लाइज ऑन दी हाइपरबोला सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी आर फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा सिक्सटीन क्वेश्चन में देखो अब द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द स्मॉलर रीजन कॉमन टू सर्कल एंड पैराबोला तो आपको क्या है सर्कल और पैराबोला का जो कॉमन रीजन होगा स्मॉलर कॉमन रीजन होगा उसमें जो पॉइंट्स लाइक करते हैं जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स हो उनका नंबर्स बताना है, कितने है वो? तो देखो, में, इस का रेडियस कितना फोर है ये पैराबोला है तो देखो डायग्राम इस टाइप से बनेगा डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करना है ओके okay? तो सर्कल का रेडियस कितना है फोर तो पहला पॉइंट देखो आपके पास में जैसे देखो यहाँ पे वन वन कोमा जीरो टू कोमा जीरो ऐसे आएंगे थ्री कोमा जीरो इसको तो लेंगे नहीं अपने फोर कोमा जीरो को तो जैसे देखो अगर वन इसमें अपने सर्कल किस में रखते हैं वन पैराबोला में रखें तो क्या आता है वाई स्केर इजिकल टू फोर सो वाई इजिकल टू प्लस माइनस टू तो ये वाला पॉइंट आपके पास में वन कोमा टू और वन कोमा माइनस टू तो वो तो पैराबोला पे हो होगा ना अपने को इस रीजन की बात करनी है इस अंदर की बात करनी है तो अपने फिर पॉइंट्स क्या मिलेंगे आपको इक्वल टू टू जब अपने में रखते हैं पैराबोला में रखें वाई इसके रिजिकल टू क्या आ रहा है एट सो दिस वाई इक्वल टू टू रूट टू प्लस माइनस में आएगा ना सो दिस विल बी सो

प्लस माइनस टू तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे फाइव पॉइंट्स यहां से आ गए क्लियर है तो सिमिलरली अगर अपने पास में देखो एक्स इजिकल टू थ्री की बात करें एक्सिकल टू थ्री पैरावोला में रखते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास में सो दिस इज थ्री पॉइंट कितना बनता है दिस इज सो वन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर आएगा क्लियर है थ्री पॉइंट फोर प्लस माइनस में सर्कल में रखेंगे तो देखो क्या आता है आपके पास में दैट इज स्को दिक्कत माइनस नाइन ऐसा आएगा सो दिस इज सेवन ये टू पॉइंटिंग आएगा प्लस माइनस यानी प्लस माइनस कुछ आएगा ऐसा इस तरीके का रहेगा ठीक है तो आपके पास में एक्स की वैल्यू थ्री है ना तो आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या थ्री कोमा जीरो थ्री प्लस माइनस वन और थ्री प्लस माइनस टू ये पॉइंट समथिंग आएगा क्लियर है तो आपके पास में कितने पॉइंट्स पॉइंट्स मिले यहाँ पे फाइव फाइव तो ये 3 ये सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी हियर थर्टीन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकंड ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटींथ क्वेश्चन में देखें बेटा सेवेंटींथ में द नॉर्मल कोड एट पॉइंट टी ऑन द दैराबोनाजिकल टू फोर एक्सप्टेंड से राइट एंगल एट द वर्टेक्स ठीक है सो देन टी स्केयर तो टी स्केयर किसके आएगा तो देखो अपने क्या है नॉर्मल कोड है ये टी क्यू नॉर्मल कोड लेट कर लिया इसके कोऑर्डिनेट में क्या लेट कर लेता हूं ए टी स्क् और टू ए टी तो ये कितना एंगल बना रही है यहां पे नाइनटी डिग्री एट द वर्टेक्स ठीक है तो अब अपने पास में देखो पैराबोला का इक्वेशन क्या है वाइस के रिजिकल टू फोर ए एक्स ऐसा है आप क्या करेंगे देखो इसको इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ये आपका वर्टेक्स हो गया अपने होमोजीनियस का concept का यूज करेंगे वी विल मेक द इक्वेशन ऑफ पैराबोला होमोजीनियस बाई दीक्यू पी क्यू की हेल्प से इसको होमोजीनियस बनाएंगे तो आपको इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो टी एक्स प्लस वाई सो टू एटी प्लस एटी क्यूब ओके तो इसको देखो वन इसको होमोजीनियस बना लेंगे तो टी एक्स प्लस वाई अपॉन टू एटी प्लस एटी क्यूब इक्वल टू वन तो देखो आपके पास वाई स्क्र फोर ए एक्स टी एक्स प्लस वाई अपॉन टू एटी प्लस एटी क्यूब इस फॉर्म में तो यहां से ए तो कैंसिल हो रहा है ना देखो वाई स्केर इजिकल टू फोर एक्स तो टी एक्स प्लस वाई अपॉन में यह क्या आएगा आपके पास में ए कैंसिल हो जाएगा तो टू टी प्लस वाई क्यूब सॉरी टी क्यूब टी क्यूब आएगा ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है फोर टी एक्स स्क् माइनस टू टी प्लस टी क्यूब वाई स्क् प्लस का फोर एक्स वाई ऐसा आ रहा है ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई डिग्री टू क्लियर है इट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओ क्यूब ओपी और ओ क्यू का कंबाइंड इक्वेशन है अब ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो देन कोफिशियंट ऑफ

टू दिस क्वेश्चन बी है सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अल्फा बी द इनक्लिनेशन ऑफ द फोकल कोड टू द एक्सेस ऑफ दैराबोला वाइस के रिजिकल टू फोर एक्स द रेशियो ऑफ रेशो ऑफ दी लेंथ ऑफ दी फोकल कोड ऑफ दी पैराबोला टू इट्स लेटेस्ट एक्टम तो देखो अब अपने पास में पैराबोला क्या है वाई इज़ टू फोर ए एक्स है ठीक है अब इसकी आपके पास में कोई फोकल कोड है तो फोकस से पास होती है सो दैराबोला सो दिस इज पी क्यू सो वट इज द इक्वेशन ऑफ दिस फोकल कोड फोकल कोड की आपके पास में इक्वेशन क्या आएगी वाई इज इकल टू टेन अल्फा एक्स माइनस ए सो स्लोप क्या हो गया इसका एम इज इकल टू टेन अल्फा क्लियर है इंटरसेप्ट मेड या लेंथ ऑफ दिस फोकल कोड इंटरसेप्ट मेड द पैराबोला ऑन फोकल कोड तो इसमें देखो एक्स टेन अल्फा माइनस ए टेन तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में पी क्यूल फोर अपॉन एम स्क्स विल बी एन प्लस ए माइनस सी एम अब इसमें आपके पास में देखो सी माइनस ए है एम कितना है टेनल्फा है यहाँ पे एम की वैल्यू डालोगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट हेयर पी क्यू इज इकल टू फोर ए को सेक्स ऐसा आएगा सो पी क्यू इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अपॉन फोर ए दट विल बीवल टू कुसे लेटेस्ट रेक्टम इस अल्फा तो क्या आ रहा है आपके पास में कुसेक्स केयर एल्फा ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन

क्लियर है यहां पे नॉर्मल है ये नॉर्मल दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन दी पैराबोला एट पॉइंट आर क्लियर है ये इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में 81 स्क्वायर 281 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है a t2 स्क्वायर 282 तो सो बोथ इंटरसेक्ट एट अगेन एंड द अगेन द पैराबोला एट पॉइंट आर सो यू हैव इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है तो आपके पास में क्या आएगा

So T1 T2 we have this is 2. So this is 8 a square. Answer to this question we have first option. The next question: The triangle formed by triangle formed by the tangent to the parabola y is, is equal to x square at the point whose abscissa is x zero. Clear? Hai? तो जिसका आप कितना आपके पास में X0 है एक्सरोक्स फ्रॉम टू टू सो दूसर इज कॉन्स्टेंट है ग्रेटेस्ट एरिया इज इक्वल टू तो एक्चुअल में देखो पैराबोला कैसा आपके पास में इस टाइप का है ये अब इसमें एक पॉइंट है जिसका अब कितना है एक्स जीरो है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका y कोऑर्डिनेट विल बी दैट विल बी अब शीर्षा इज एक्स जीरो तो y कोऑर्डिनेट विल बी एक्स जीरो स्क्वायर ओके सो टेंजेंट एट दिस पॉइंट इस पे टेंजेंट आप ड्रा करेंगे क्लियर है एंड लाइन y इज टू एक्स जीरो स्क्वायर ये ये लाइन y इज स्क्वायर ओके सो The y-axis and the straight line has the greatest area. The triangle formed by the this tangent and y-axis. ye wala aapke paas hai ye point P le lo ye point T le liya This is point T, N. So you have to find out dekho area of this this triangle is greatest. तो greatest area. This triangle has the greatest area. कब होगा आपके पास में x-zero की value बतानी है उसमें। ठीक है? तो देखो पहले equation of tangent क्वेशन ऑफ टेंट एट पी पी पे आपके पास में टेंजेंट का इक्वेशन बताना है तो देखो क्या आएगा तो इसमें देखो आपने एक्स इजिकल टू जीरो वट वी है आपके पास में एक्स इजल टू जीरो सो वाई इज इकल टू बी है माइनस एक्स जीरो स्क्र ओके ये तो इसका आपके पास में टी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ गए टी के सो वी हैव जीरो माइनस एक्स जीरो स्क्वायर इस फॉर्म में आ गए सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन एन के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास में तो जीरो एक्स जीरो स्क्वायर ये एन के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए ओके सो नाउ व्हाट इज द हाइट हाइट इज हियर एक्स सो एक्स So, ये आपके पास में सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना एरिया ऑफ इसका बेस कितना है टीएन भी है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी वन पॉइंट टू टीएन इन टू पी एन यह आएगा सो so, ये आपके पास में वन अपॉन टू इस तरीके से बनेगा ठीक है तो ये टू एक्स जीरो स्क्र सो वी हैव एक्स जीरो ओके अब अपने पास में देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज एक्स क्यूब आ गया ये मैक्सिमम कब रहेगा रेंज ऑफ द x0 जीरो इज गिवन टू यू 1 टू 2 तो मैक्सिमम तो तभी बनेगा मैन x0 जीरो इज इक्वल टू टू सो x0 जीरो इज इक्वल टू 2 सो एरिया विल बी ग्रेटेस्ट वन ग्रेटेस्ट कब होगा वैन एक्स जीरो

Must pass the point. तो ये की एक प्रॉपर्टी होती है एनी रे ऑफ लाइट मूविंग पेराबोलाइकिंग पैराबोलिक कर इट पास थ्रू वोकस फोकस से पास होगी ठीक है एस फोकस ये फोकस आएगा ठीक है ये आपके पास में फोकस बनेगा यहाँ पे यहां से फोकस से पास होगी तो इसका देखो आपके पास फोकस क्या है वट इज एस वन क्लियर है तो आपके पास में एक्सेस क्या है वाई इज इक्वल टू टू सो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ एक्स प्लस टू वन सो स्ट्राइकिंग द पैराबोलिक मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होगी एट पास थ्रू द पॉइंट इट्स फोकस, फोकस से पास होगी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या है टेंजेंट्स आर ड्र फ्रॉम पॉइंट माइनस वन कोमा टू ऑन दैरावोला वाइस के लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स विल इंटरसेप्ट ऑन द लाइन एक्स इज टू टू इस अब देखो पॉइंट माइनस वन कोमा टू से इस पैराबोला पे ड्रा किए जाते हैं ठीक है अब वो दोनों टेंजेंट्स क्या करते हैं इस लाइन पे एक इंटरसेप्ट बनाएंगे ठीक है तो देखो कैसा है पैराबोला क्या बड़ी देशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्र इज इकल टू फोर एक्स ये ये पॉइंट है आपके पास में माइनस वन कोमा टू ऐसा है ठीक है अब ये वो इक्वल टू टू जो आपके पास में लाइन ये अब ये अपने को पी क्यू फाइंड आउट करना है सो टेंजेंट रान फ्रॉम पॉइंट माइनस वन कोमा टू मेकिंग सम इंटरसेप्ट ठीक है ऑन लाइन इक्वल टू टू यू हैव हैी क्यू पी क्यू फाइंड आउट करना है तो इसका दोनों का देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया लेट एम भी द स्लोप एम अपने क्या स्लोप लेट कर लिया ऑफ द टेंजेंट सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी आपके पास में वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन अपॉन एम ये कहां से पास हो रहा माइनस वन कोमा टू से तो माइनस वन कोमा टू से पास होगा तो इसमें रखेंगे क्लियर है तो आपके पास में क्या आ रहा है टू एंड माइनस एम प्लस ओके तो यहां से एम ये बनेगा आपके पास में माइनस एम स्क्र तो प्लस का टू एम आएगा ठीक है प्लस का टू एम एंड माइनस वन इजिकल टू जीरो अब देखो इसके ना फैक्टर आपके पास में डी तो ग्रेटर देन बट इसमें देखो ये डी इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर तो इस कंडीशन में इसके रूट अपने लेट कर लेते हैं एम वन और एम टू सो रूट्स क्या आएगा आपके पास में दैट विल बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है आपके पास में माइनस वन इस फॉर्म में अब ये जो आपके पास में टेंजेंट है इसका इक्वेशन ऐसे लिट कर लेता हूं M1, इसका इक्वेशन क्या है इस तरीके से लेट करेंगे बेटा क्लियर है तो अब अपने पास में देखो कोऑर्डिनेट तो टू है दोनों में तो व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन इंटरसेप्ट मेड बाई दू टेंट ऑन लाइन एक्सिकल टू टू तो वो देखो अपने पास में पी क्यू क्या आएगा वाई वन माइनस वाई टू ऐसा इस तरीके का रहेगा देखो यहाँ पे टू डालेंगे ना तो क्या आएगा टू एम वन माइनस एम टू इस फॉर्म में क्लियर है और प्लस वन अपॉन एम वन माइनस एम टू इस फॉर्म में आएगा ठीक है ये मोडलस में रहेगा ये ये तो आएगा अब इसको देखो आपने सिंपलीफाई करें थोड़ा सा एम वन माइनस एम टू ओके तो इसका आपके पास में एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन एम टू क्लियर है तो इसको देखो आपने जब इसको एम वन माइनस एम टू करेंगे तो मोडलस ऑफ एम वन माइनस एम टू एंड दिस इज टू माइनस वन अपॉन एम वन एम टू इस तरीके से एम वन एम टू भी है माइनस वन सो दिस इज थ्री ये थ्री आएगा इसको अपने क्या लिखेंगे अंडूट में एम वन प्लस एम टू होल स्केयर माइनस फोर एम वन एम टू यहां पर वैल्यू डालो है सो इंटरसेप्ट मेड बाय दीज टू टेंजेंट्स ऑन लाइन एक्सिकल टू टू दैट इज सिक्स रूट टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकेंड ऑप्शन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखे नॉर्मल टू दी पैराबोला वाई स्क्वेयर टू एट एक्स एट दी पॉइंट टू कॉमा फोर टू कॉमा द पैराबोला अगेन एट पॉइंट क्यू इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब ऑन पी एज ए डायमीटर सो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट सी सो इन द लाइन ये इन है? इन द लाइन वाई इज इकल टू सो सी क्या सी देंटर ऑफ दर्कल सो नॉर्मली ड्री पैराबोला एट पॉइंट क्यू तो पहले अपने इसके कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर निकाल लेते हैं तो ए क्या है इज इकल टू टू ओके सो वट इज दैराीटर हेयर सो टू ए टी कोरस्पोंडिंग टू दिस पॉइंट सो आपके पास में दिस विल बी इक्वल टू फोर सो टी इज इक्वल टू वन ओके सो वट आर द्वार क्यू कॉर्डिनेट पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में माइनस जब एट पॉइंट द द नॉर्मल मीट्स अगेन पैराबोला एट पॉइंट क्यू सो देवल टू बी ओके सो दिस विल बी हियर सो माइनस थ्री सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू यू कैन वी कैन राइट डाउन हियर सो एटी वन स्केयर एटी वन स्केयर एंड टू ए वन तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपने लिख देंगे यहां से सो so, ए की वैल्यू अपने पास में यहां पर टू है सो दिस विल बी एटीन एंड दिस इज माइनस ट्वेल्व ओके सो वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेन पी क्यू एज ए डायमीटर तो हम सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे जिसका डायमीटर क्या पी क्यू है तो so, इक्वेशन क्या बनेगी सर्कल की यहां से आपके पास है वाई एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस एटीन डायमीटर फॉर्म में वाई माइनस फोर एंड वाई प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो ओके सो दिस विल बी एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्यर यहाँ से आपके पास है माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स ओके तो आपके पास है ट्वेल्व वाई माइनस दिस इज प्लस का एट वाई

तो जस्ट यू हैव टू टेक द माइनस फोर विल बी एक्स कोऑर्डिनेट एंड टेन विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सी द सेंटर ऑफ द सर्कल विद जीरो रेडियस पी इज को क्या एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या जीरो जैसे देखो सर्कल आपके पास में इधर है जीरो सेंटर इज जीरो रेडियस इज यूनिटी तो सर्कल विल बी ऑफ दिस फॉर्म यहां यहां पे ओरिजिन को टच करेगा ओके okay? तो इधर जैसे इस टाइप से जीरो कोमा वन ओके तो सर्कल क्या है इसको इस तरीके से यहां पे ओरिजिन पे टच करता है क्लियर है नाउ वाईजिकल टू एक्सर सो दिस पैराबोला विल बी आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और

इस नीचे की तरफ नहीं आएगा इधर ये गलत है क्योंकि यहाँ पे तो इस केस में तो वो क्या है सिर्फ ओरिजिन पे टच करेगा एक पॉइंट पे ये अपने चाइन नहीं तो ओरिजिन के अलावा आपको देखना किस पॉइंट पे तो देखो पैराबोला इस टाइप का रहेगा ये तो इसमें a क्या होगा आपके पास में ग्रेटर देन 0 ओके तो देखो आपके पास से पहले सर्कल का इक्वेशन हुज सेंटर इज 0 1 रेडियस इज 1 सो दैट विल बी x2 y minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो दिस वी हैव x2 वाई स्क्र माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो सर्कल का इक्वेशन हो गया नाउ पैराबोला तो पैराबोला की जीरो तो सो so, so, यहां से आपके पास में देखो y कॉमन आ रहा है सो so, y वन वाई प्लस वन अपॉन ए माइनस टू ओके

पॉइंट अब दी एक्स एक्सेस तो एक्स एक्सेस पे कट करेंगे ओरिजिन के अलावा मतलब ये ऊपर की तरफ तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो सो टू माइनस वन अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो सो दिस वी हैव टू ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो सो ए मस्ट बी ग्रेटर देन वन अपॉन टू सो रेंज ऑफ ए इज वन अपॉन टू टू ओपन इंटरवल सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में टू डिस्टिंक ऑफ पैराबोला रहा है okay? so, A A X y 1, तो आपको रेक्टम की लेंथ क्या हो सकती है ये बताना है ठीक है तो देखो पैराबोला पेरेगो कैसा है आपके पास में यहां पर वाई स्केयर इजिकल टू फोर एक्स इस टाइप का है अब इसके जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास में ए टू ए आपके पास में दो कोर्ड्स हैं, दो कोर्ड्स निकल रही हैं इससे दीज टू कोर्स आर बाइसेक्टेड बाई द लाइन ये लाइन आपके पास में कौन सी है सो so, x प्लस वाई इज इकल टू वन क्लियर दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग दीज टू कोर्स एट दिस पॉइंट At points, P, so, yes, suppose करो आपके एक्स ले इसको। तो इसको आप कोऑर्डिनेट एक तो क्या लेट कर लेता हूँ एच और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया वन माइनस एच ओके सो वी विल राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कोड इज नॉन इन दिस पैराबोला तो पहले अपने कोड का इक्वेशन लिखेंगे

पी एस ओके जिसका मिड पॉइंट अपने को पता है तो यू कैन राइट डाउन सो वट इज द इक्वेशन टी इज टू एच वन इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो टी आपके पास में यहां पे क्या आएगा एक्स प्लस एच अपॉन टू इज इगल टू पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट हियर सो वन माइनस एच होल स्क्वायर माइनस फोर ए एच ओके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो यहां से टू आएगा ठीक है तो ये क्या हुआ वाई माइनस एच हैव टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स फिर माइनस टू ए एच इधर एस स्क्र माइनस टू एच प्लस वन माइनस फोर ए एच ओके तो अब इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं ना अपने देखो इसमें क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर सो माइनस टू ए एक्स और ये आपके पास में किस पॉइंट से पास होगी ए टू ए से तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा इसमें देखो टू ए रखें और ए रख देते हैं सो इट पासिस थ्रू द पॉइंट ए टू ए यहाँ पे आपके पास में टू ए माइनस टू एच ए एंड दिस इज माइनस टू ए एंड माइनस टू ए एच इज इक्वल टू एस स्क्र माइनस टू एच प्लस वन माइनस फोर ए एच ओके सो दिस इज माइनस टू एच माइनस टू एच फोर ए एच माइनस का फोर ए एच ये कैंसिल हो गया अब अपने पास में देखो ये किस फॉर्म में बन रहा है इक्वेशन एस स्क्र इधर एस स्क्र माइनस टू एच प्लस वन ये आपके पास है प्लस का टू ए स्क्वेयर एंड माइनस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो क्लियर है अब नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एच फॉर टू डिस्टिंग डी मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो तो डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो so, देखो अब इसका क्या आएगा आपके पास में डी सो so, यहां पे फोर इस फॉर्म में आ गया माइनस फोर टू ए स्क्र माइनस टू ए प्लस वन दिस इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो यहां से फोर से फोर ये कैंसिल हो जाएगा देखो ये किस फॉर्म में आएगा माइनस टू ए स्क्र प्लस टू ए एंड माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ओके सो यहां से आपके पास में देखो टू ए टू ए माइनस वन दिस इज लेस देन जीरो इस फॉर्म में आएगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो ए वेरीज फ्रॉम हियर ए वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन सो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला विल बी फोर ए तो यहां से फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है सो फोर ए वेरीज फ्रॉम जीरो टू फोर ओके सो फोर ए लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला मे बी आइदर वन टू थ्री बट नॉट मोर देन फोर ओके बट लेस देन फोर

तो अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा आगे आगे इसमें देखो फ्रॉम द पॉइंट माइनस वन को मैं ट्राइंगल फोर्न बाई द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एन रूट टू सो इक्वल्स तो एन की वैल्यू बतानी है अपने आपको अगर so so तो थोड़ा सा ध्यान में हो अगर ये फार्मूला है एक जैसे द्स वन वाई वन है फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव

So y1 is here 2 4. So this is a is equal to 1. So this is 4. And so, raised power kitna 3 upon 2. And what is a? a is 1. So this is 2. So we have here this is 8. 8. So 8 raised power 1 upon 2. So this is 2 root 2. Whole so, raised power 3 upon 2. तो इसका अपने पास में बनेगा ये बन गया आपके पास में here

तो आपके पास में पैराबोला इस टाइप का हो गया क्लियर है अब इसका फोकस क्या आपके पास में वन कोमा जीरो 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 वन ओके अब सर्कल क्या है इस पैराबोला को टच करता है किस पॉइंट पे जैसे देखो ऐसा है ये सर्कल बन गया इट दी दिस पैराबोला एट पॉइंट सिक्स कोमा नाइन तो अपने पास में इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे पहले

सो वी हैव सिक्स एक्स एंड फोर वाई प्लस नाइन ओके तो इसको थोड़ा सा थ्री एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स एंड टू वाई थ्री एक्स माइनस टू वाई इस तरीके से आ जाएगा एंड माइनस एटीन इजिकल टू ज़ीरो ओके ये आपके पास में स्टैंडर्ड का इक्वेशन आ गया तो टेंजेंट का इक्वेशन अपॉन टू और लगाना था यहां पे टू सॉरी टू ये देखो सो दिस इज टू दिस वी हैव इसको इस तरीके से ले ले सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सिक्स नाइन ठीक है तो क्या बनेगा आपके पास में तो सिक्स एक्स टू वाई प्लस नाइन टू से डिवाइड कर दिया सो दिसनस वाई एंड माइनस नाइन इज इकल टू जीरो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुई फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस सिक्स होल स्क्र वाई माइनस नाइन होल स्क्र प्लस लेमडा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस नाइन इजिकल टू जीरो कहां से पास हो रहा है इट पास थ्रू द फोकस जीरो तो को वन इसमें रख देंगे तो आपके पास में क्या आएगा थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर लेमडा यहाँ पे जीरो so, पे ओके okay? तो लेमडा की वैल्यू इसमें जब रखोगे आपके पास में देखो सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में बना एक्स स्क्स वाई स्क्र ओके यहाँ से माइनस ट्वेल्व एक्स आएगा और इधर से आपके पास में थर्टी एक्स तो दिस इज माइनस एटीन एक्स प्लस का ये आपके पास से माइनस का 12x प्लस का 30x आएगा तो ये प्लस का आएगा ओके सो नाउ दिस इज -18 18y सो so यहाँ पे आपके पास में इधर क्या मिलेगा आपको ये 90 तो ये आपके पास से माइनस का 18y और इधर प्लस का क्या आएगा इधर का प्लस का सॉरी माइनस का 10y तो दिस विल बी हेयर हियर -28 -28y इस फॉर्म में आ गया अब 81 वन प्लस थर्टी एंड प्लस माइनस नाइनटी सो 81 वन प्लस थर्टी एंड प्लस भी है माइनस नाइन्टी ये अपने पास में 90 तो यहाँ पे माइनस का 9 आएगा माइनस का नाइन जिससे ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन ओके सो वट इज द सेंटर वी हैव हियर 9 एंड okay? so 14, 9 14 ये सेंटर आ गया तो रेडियस क्या हुआ फिर आपके पास में रेडियस भी है वट इज द रेडियस यू हैव एटी वन वन नाइन सिक्स एंड माइनस ट्वेंटी ओके सो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे दिस वी है, so, है यहाँ पे 5 root टेन ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है k is equal to फाइव तो इस तरीके से अपने पास में के की वैल्यू आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास में स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटरसेक्ट द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक एट पॉइंट्स P एंड Q देन लेंथ ऑफ पी क्यू पी क्यू की लेंथ पूछी है ना आपको तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे तो पैराबोला क्या है आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू एट तो इस टाइप से है वेरी सिंपल तो आपके पास में वाई इज ये वाली लाइन आ गई ठीक है और वर्टेक्स इसका आपको पता है जीरो जीरो पे है ये पी पॉइंट हो गया दिस इस भी है, क्यू? दिस पॉइंट लाइन y y ये तो y इसमें रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे y इजिकल टू एक्स रखोगे तो सो एक्सर इजिकल टू एट एक्स ओके सो तो भी है x इजिकल टू जीरो एंड एट तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या आ गए एट

एंगल बिटवीन दान फ्रॉम द पॉइंटोलाइस टू फोर एक्स इज पाई बाई ले वैल्यू ऑफ ले तो अपने देखो इसमें किस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रा किए गए फोर से ठीक है so सो अपने लेट कर लेते हैं लेट एम बी द स्लोप ऑफ देंजेंट सो बड़ी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट

प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट वन सो टेन थीटा इज गिवन बाई टेन थीटा इस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू ओके यहां से आपके पास में इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से देखो आपके पास में इधर इसको अनूट में क्या लिखेंगे एम वन प्लस एम टू होल स्केयर माइनस फोर एम वन एम टू ओके सो अपॉन में दिस दिसवी है सो दिस इज टू इट्स वैल्यू इज वन वन प्लस वन दिस इज टू सो इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है ये देखो सो दिस दिसवी है एम वन सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस फोर इस तरीके से आएगा ओके तो अपॉन टू सो दिसवी है

टू टी वन स्केयर एंड दिस विल भी फोर टी वन ओके तो अब अपने को इसके कोर्डिनेट देखो आपको पता है तो so, इसके कोर्डिनेट क्या होंगे इसके वैसे ही लिख लेते हैं अपने टी टू के फॉर्म में टू टी टू स्केयर फोर टी टू ओके नाउ वी है टी वन टी टू इज इक्वल टू फोर दल कोड माइनस वन सो ए वन स्केयर टू ए वन सो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने क्लियर है अब इसमें देखो व्हाट इज एक्स वन एक्स वन भी है दिस वन एंड एक्स टू यू है, फोर तो देखो इसमें एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू सॉरी टू टी टू ये कितना हो गया फोर टी वन स्केयर टी टू स्केयर ओके इस फोर में आ रहा है एंड नाउ वट इज दिस सिक्सटीन सिक्सटीन अब इसमें देखो इसका 16 t1 t2 16 t1 t2 इस फॉर्म में आ गया सो दिस एक्स है x1 x2 प्लस y1 y2 वाई मोडुलस यहाँ पे वैल्यू डाल दी इनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स रख दिए सो so, t1 t2 इज़ इक्वल टू बी है माइनस वन तो यहां पे ये यह प्लस का फोर ही रहेगा ठीक है ना क्योंकि तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन का स्क्वेयर सो दिस वी है ट्वेल्व देयर इज ए मोडलस सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्वेल्व ओके तो ये बेटा आपका क्या okay, है मैथ कैम का पेपर नंबर टेन का सोल्यूशन था ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आज हम बात कर रहे हैं अपनी मैथ कैम टेस्ट नंबर टेन इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन के अंदर सेक्शन ए e. जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर फ्रेंडलिज आइसोथर्म फ्रेंडलीज अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण क्या होगी समीकरण देखिए फ्रेंडलीज क्या कहता है कि एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन अपॉन एन ये अपने पास इक्वेशन है फ्रेंडलीज आइसोथर्म इसको कहते हैं हम इसको अगर देख इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन तो ये हमारी दैट मीनस की फ्रेंडली समीकरण कौन सी होगी भैया तो फर्स्ट समीकरण अपने पास देखिए फर्स्ट तो होगी होगी इसको चेंज करें वन एम को इधर लेके आ जाए तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एम के पी की पावर वन अपॉन एन ये भी सही होगा फिर आता है इस एन को अगर नेगेटिव फॉर्म में इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अपॉन एम इज इक्वल टू तो के पी की पावर माइनस एम इसको जस्ट अपोजिट किया पी की पावर माइनस एम यानी अपने क्वेश्चन के पास क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी फोर्थ नंबर का उपरोक्त सभी रहेगा यानी इसके अंदर ये तीनों इक्वेशन क्लियर होगी तो इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का ठीक है फ्रेंडली साइसोत्र क्या होता है जो एडजोप्शन पावर होता है एडजोपन पावर होता है अपने पास एक्स अपॉन एम वह क्या होगा उसके प्रेशर के वन अपॉन एन की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस हिसाब से यानी ये यही हमारे पास रूल है इसको मॉडिफाई करके हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कि इन इन रिवर्सिबल द पॉजिटिव कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे कि देखिए अपने पास एक ग्राफ आता है इस टाइप से ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये. तो जैसे कैटलिस्ट हम इसके अंदर मिक्स करते हैं उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक उत्प्रेरक मिलाते हैं तो क्या होगा ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है तो हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करता है नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा यानी सक्रिय ऊर्जा को और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है कौन पॉजिटिव कैटलिस्ट तो ये कह रहा है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होगा यानी अभिक्रिया के लिए सकृण ऊर्जा में वृद्धि तो आपको पता है धनात्मक जो उत्प्रेरक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा ये सेकंड इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया के लिए सक ऊर्जा में वृद्धि का तो नाम ही नहीं है कि भैया ऊर्जा को वृद्धि करेगा यह सक्रिय ऊर्जा को हमेशा क्या करेगा घटाएगा यह कहता है कि डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिएनों अग्रपश्च अभिक्रिया के लिए सक्रण ऊर्जा में कमी करेगा आपको पता है कि जैसे कोई रिएक्शन है ए बी में कन्वर्ट हो रही है अब यहां पे पॉजिटिव कैटलिस्ट हम ले रहे हैं ये भी है, मतलब रिवर्सिबल का मतलब बी वापस ए में आएगा यह यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तो इसमें रिएक्शन चलेगी तो भी यह क्या करेगा डिक्रीज करेगा मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यानी दोनों रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा यानी सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है अपने पास देखिए रिएक्शन है जनरली द ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड कैन बी सोल्व डाउन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिटेडिशन एसिटेमाइड एक्ट एज एनि एसिटेड का हमारे पास जो एक रिएक्शन है जिसमें एसिडेमाइड की थोड़ी सी मात्रा में लाकर हम जो हाइड्रोजन परोक्साइड का विघटन करते हैं H2O2 को विघटित करते हैं हम एसिटेमाइड मिलाते हैं वो किस फॉर्म में वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है केमिकल चेंजेस होते हैं, हैं, हैं कार्य करता है ये अमाइड क्योंकि जो विघटन होगा एस टू ओ टू का यानी हाइड्रोजन पेक्साइड का डीकम्पोजिशन होगा उसमें कुछ अनवांटेड चेंजेज आते हैं अनवांटेड केमिकल चेंजेज होते हैं जिनको रोकने के लिए स्टॉप करने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटेड जो कि एक इनहेबिटर फॉर्म में यूज होता है यानी निरोधक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है एक आर्सेनिक सल्फाइड द अमंग द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है सोडियम सल्फेट है कैल्शियम क्लोराइड है एल्यूमिनियम सल्फेट है अमोनियम क्लोराइड है

यानी ये नेगेटिव सोल है उसके अंदर हम क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उसका कोगले उतना ही हाई होगा ये हमको पता है तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन क्या होगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ कहता है कि फिजिकल एडजॉप्शन फिजिकल क्या क्या होता है? ये होता है जिसमें है सरफेस फिनोमिना जिसमें फोर्स लेते हैं टेम्परेचर लो होना चाहिए पहली बार सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा एडजोप्शन ज्यादा होगा लो टेम्परेचर होगा तो एडजोप्शन क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बेसिकली प्रेशर लगाएंगे हाई

निकल के क्या हो जाएंगे मोलिक्यूल चले जाएंगे मतलब उसका एडजॉर्प्शन नहीं होगा वेपर में कनर्ट होगा तो एडजॉर्पन नहीं होगा तो हम कहेंगे टेम्परेचर यानी ये करेक्ट है दाब में कमी यानी डिक्रीजिंग द प्रेशर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मोलिक्यूल क्या फ्रीली मोशन करेंगे मतलब वही बात है मोलिक्यूल का एडजॉर्प्शन नहीं होगा यानी हाई प्रेशर करना पड़ेगा फिर वो ये टेम्परेचर में वृद्धि ये नहीं होगा ये नहीं होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी यानी डिक्रीज द सरफेस सरफेस एरिया डिक्रीज इन सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया को क्या करते हैं उसको कम करते हैं कम कर दे डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा एडजॉर्प्शन कम होगा यानी आपको पता होगा घर में तो अगर वो, ए, कपड़े को जो पोछा जल्दी एड्जॉर्ब होगा अरे बिल्कुल इसका सरफेस कम कर दूं और फिर वाटर को मैं एडजॉर्ब कराऊँ नहीं होगा तो वही बात है कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी करना है कमी से नहीं होगा वृद्धि करने से एड्जॉर्पन की रेट बढ़ती है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर? ये अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्स नंबर सिक्स नंबर में हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिए सॉल्यूशन इज़, यानी धुंध एक कोलाइडी विलियन है धुंध का मतलब अपना कोहरा जो होता है अपने पास वो क्या होती है कोहरे क्या होता है सॉलिड यानी अगर मैं को, कोई भी कोलाइड सॉल्यूशन देखा जाता है वो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज

में द्रव होता है यानी अपने पास इसमें गैस में, में द्रव कौन है थर्ड ऑप्शन तो यानी इसके अंदर जो फोग होता है अपने पास फोग के अंदर एक तो होता है डिस्पर्शन डिस्पर्शन फेज होता है एक डिस्पर्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम डी और डीएम होता है यानी एक होता है डिस्पर्स फेज और ये मीडियम ये अगर गैस हो जाए अपने पास और ये अगर लिक्विड हो जाए तो लिक्विड गैस के अंदर क्या होता है लिक्विड होता है गैस के अंदर लिक्विड होता है यानी स्मॉल क्वांटिटी में कौन है अपने पास लिक्विड यानी कम मात्रा में है जबकि गैस अधिक मात्रा में है तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड क्लियर तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में क्या कहता है विच ऑफ डज नॉट इन्वॉल्व यानी नेमने में से स्कंद में उपयुक्त नहीं है स्कंदन में जो मतलब हो होता है वो कोगुलेशन हो जाता है यानी ये कहता है क्लोटिंग तो ऑफ ब्लड यूजिंग एफिसियल थ्री एफिसियल थ्री का सोल्यूशन अगर हम ब्लड के ऊपर लगाते हैं तो उसका कोगुलेशन हो जाता है मतलब स्कंदन हो जाता है तो ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा रीजन देखा होगा आपने जहाँ रिवर्स होती है वहां सेम आयन होते हैं कॉमन आयन क्या करते हैं आपस में एक जगह इकट्ठा होकर क्या हो जाते हैं कोगुलेशन हो जाते हैं है, तो ये भी इन्वॉल्व होता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और पोटेशियम एलम यानी हम फिटकरी जो होती है अपनी पोटास एलम होता है जब पानी में डालते हैं तो उसकी क्या होता है कि उसकी जो इम्प्योरिटी होती है उनको वो क्या कर देता है कोगुलेट कर देता है स्कंदित कर देता है जबकि फोर्थ ऑप्शन होता है पेप्टाइजेशन पैप्टीकरण ध्यान रखना ये पैप्टीकरण एक मैथड है जिससे हम कोगुलेशन करते हैं ये प्रोसेस है तो ये क्या कहता है इसमें स्कंदन में इन्वॉल्व नहीं होता मतलब फोर्थ ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ़ कोगुलेशन, कोगुलेशन बनाने की विधि क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें क्या कहता कैल्शियम एल्यूमिनियम और टिन फॉर आर्सेनिक सल्फाइड

चेंज क्रम चेंज हो गया तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा हमारे हो पास ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हार्डली सूर्य कहता है तो ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या कहता है एंजाइम यूज कन्वर्टर सुक्रोज टू ग्लूकोज आपको पता है सुक्रोज और ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इन्वर्टेज एंजाइम आ जाता है इन्वर्टेज एंजाइम हम काम में लेते हैं थियोरटिकल है जो आपको याद रखना है भैया इसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है सुक्रोज होता है उसको इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने के लिए हम इनवर्टेज यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर बात करें तो देखिए ये कहता है वेन डाइल डायल्यूट एजीएन सोलूशन इज मिक्स विद डायल्यूट सौल में, में मिलाया जाता है तो देखो अगर बात करें हम तो अगर एजी थ्री है हमारे पास ये ये एजी एनो थ्री है अगर इसमें तो मेरे पास बनता है एजीआई ठीक है ए जी आई प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है अब देखिए ये ए का हमारे पास कोलोइड्स बन गया अब जब इसके अंदर हम एक्सिस मिक्स मिक करते हैं यानी आदिक्य में अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं एक्सिस मिक्स करता हूं तो ये क्या करता है वही बात है क्या करेगा अपने कॉमन आयन को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो इसके चारों ओर क्या बन जाएंगे भैया कॉमन आयन कौन है इसके अंदर के आई के अंदर आई माइनस और के प्लस है तो कॉमन आयन तो आई है ना ये आई क्या करेगा इसके चारों ओर ऐसे कोगुलेशन का मतलब ये होता है आपको पता है निकालने का तरीका होता है पॉजिटिव है सोल या नेगेटिव सेल है ये चेक करो उसके अंदर कि भैया कॉमन आयन कौन सा होगा वो कॉमन आयन होगा उसी को हमेशा क्या होता है एडजॉर्ब करता है ये हमेशा तो हमारे पास देखो ये बन गया अपने पास किस टाइप का बन गया नेगेटिव सोल ठीक है आपको पता है ये इसके पीछे अगर ये पॉजिटिव आयन आता तो इसके ऊपर एक जीटा पोटेंशियल क्रिएट होता है याद है आपको

डेल्टा फॉर्मेशन टिंडल इफेक्ट और प्रोटेक्टिव ऑफ कोलाइड। अगर इनकी बात करें तो देखिए आपको पता है भैया तो स्कंदन तो में, में लेते हैं दूसरा होता है कि डेल्टा निर्माण डेल्टा निर्माण कहाँ होता है ध्यान में तो समाइन के अधिशोषण के कारण यानी पेप्टाइजेशन होता है थर्ड और ये हो गया फोर्थ तीसरा कहता है टिंडल प्रभाव आकाश का नीला रंगना ब्लू ऑफ स्काई ब्लू जो होता है अपना आकाश होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है यानी स्काई इज इस ब्लू वो किसके कारण होता है टिंडल प्रभाव स्क्रैटिंग होती है लाइट की की वजह से हमारे पास ब्लू कलर दिखाई देता है यानी टिंडल प्रभाव इसकी वजह से होता है कोलाइड की रक्षण क्षमता जो होती है वो आपको पता है गोल्ड नंबर से कैलकुलेट करते हैं हम गोल्ड नंबर से हम उसकी रक्षण क्षमता यानी प्रोटेक्टिंग पावर कैसे निकालते हैं इस हिसाब से हमारे पास पी का थर्ड

क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की अगर देखें तो कहता है कि इसके अंदर आपको वाड्रवाल इक्वेशन नॉन आइडियल टर्म्स दैट अकाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए काम में लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स में अगर देखा होगा आपके पास P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इजिकल टू एन आर टी या वांडरवाल इक्वेशन होती है इसके अंदर अगर देखिए तो ये जो टर्म्स होती है ये टर्म्स देखिए तो ये कह रहा है कि इस टर्म्स इस टर्म से वांड्रवाल फोर्स जो क्या होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स को कौन डिफाइन करता है यानी अंतरा आणविक बल को कौन डिफाइन करता है आपको पता ही है ये करता है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर ये इंटरमोलिक सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाल फोर्स है जिसको हम ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर फोर हैबर प्रोसेस जो होता है उसके अंदर मोलिब्लेटनम यूज करते हैं हैबर प्रोसेस क्या होता है भैया N2 टू प्लस थ्री इक्वल टू टू जो एफ से और एम हम यूज करते हैं ये क्या करता है इस कैटलिस्ट को क्या कर देता है एक्टिवेट करता है एक्टिवेट का काम करता है यानी प्रमोटर का काम करता है यह बढ़ा देता है एक्टिविश्ट की एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो आपको याद रखना है फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कहता है कि जो सस्पेंशन सोल्यूशन है उसको अगर कोलाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे कहता है है। है, है। है कि the formation of from the suspension. Suspension के लिए वही बात बात आपको जो जो होता है, यूज होता यानी ये प्रोसेस हमने जस्ट पहले ही बात की थी। एक प्रोसेस है जो किसी भी को कोगलेट करने करके हम उसका सॉल्यूशन बनाने के अंदर प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन नंबर वन आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन क्या कहता है कि एक लायोफिलिक सॉल है कैन बी डन कोगुलेशन कोगुलेशन क्या कर सकते हैं लायोफिलिक को यानी दर्व विरागी सॉल दर्व रागी सॉल इसको कोगुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर एक सूटेबल सॉल्वेंट भी मिक्स कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट भी मिलाकर हम उसको कोगुलेशन कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मिक्सिंग ऑफ सूटेबल सॉल्ट सूटेबल सॉल्वेशन मिलाकर देखिए यहाँ पे ये यह सॉल्वेशन है यहाँ पे चेक कर लेना भैया सोल्ड नहीं है सॉल्व सुटेबल सॉल्वेंट है सुटेबल सॉल्वेंट है एक बार चेक कर लेना यहाँ पे सोल्ड नहीं क्या होगा सुटेबल सॉल्वेंट होता है इस सॉल्वेंट को यूज किया जाता है ये अपने पास यानी उपयुक्त तो विलायक विलायक होगा यहां पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट ठीक है उपयुक्त सॉल्वेंट मिलाकर हमारे तो पास तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बहुत तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पे चेक कर लेना भैया भैयानीय नहीं है सॉल्वेंट है। उपयुक्त सॉल्वेंट के अंदर मिलाकर किया जाता है क्लियर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या कहता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन की मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी भैया आपको देखो कैब होगी चेक करते हैं हम कहते हैं पी वी इज इकल टू एन आर टी एन आपको पता ही है क्या होता है पी वी इज इकल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी होता है इस पी को इधर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी अपॉन एम लिख सकते हैं ये हमारे पास होता है डी तो डी इज इकल टू आर टी अपॉन एम तो डी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास पी एम अपॉन आर डी ये हमारे पास तो यह कराया कि द दे डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी भैया जब प्रेशर होगा हाई और टेम्परेचर होगा लो तभी तो डेंसिटी तो हाई होगी प्रेशर तो बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो देख ली एस टीपी ये होता है टू सेवेंटी थ्री कैलवीन और वन ए टी एम तो पहले तो यह चेक करो कि प्रेशर हाई किसमें तो प्रेशर हाई इसमें वन एटीएम है टू एटीएम है या 4 ATM है लो टेम्परेचर और प्रेशर हाई किसका है तो अपने पास ऑप्शन सेकेंड के अंदर टू और फोर एटीएम है अगर इसके अंदर टू ए टी एम है तो यहाँचर हाई हो गया प्रेशर लो है हो गया तो वैसे नहीं होगा यहाँ प्रेशर वन एटीएम तो प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है फोर का और टेम्परेचर सबसे लो किसका है टू सेवन थ्री का तो ये ऑप्शन में भी टू सेवन थ्री है बट प्रेशर प्रेशर क्या है वहां पे प्रेशर क्या है हाई है तो अपने पास ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 16 16 के अंदर क्या है एक मोल आदर्श केस के लिए ऊर्जा क्या होगी यानी एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी आपको पता है थ्री बाई टू आर टी होता है ये अपने पास ऑप्शन नंबर वन डायरेक्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी फोर वन वैसे एनआरटी होती है एन इजिकल टू वन मोल है तो हमारे पास क्या हो जाएगी थ्री बाई टू थ्री बाई टू आर टी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एटीन क्या कहता है एस टी पी पर एस टी पी पेपर का द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गेस इज यूनिटी एट एस टी पी दी आर देखिए हमें पता है संपीडिता गुणांक यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है PV इज इक्वल टू एन आर टी ये होता है हमारे पास ये कहता है यूनिटी लेस देन यूनिटी है यानी वन से कम है अगर वन से कम होगा तो हम क्या कहेंगे जेड लेस देन वन ये कब होगा किस कंडीशन पे होगा जब PV की वैल्यू कम होगी किससे एन आर टी से ये कह रहा है एस टी पी पे एट एस टीपी एट एस पे आपको पता है टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 सेवन थ्री प्रेशर होता है वो 1 एटीएम आर जो गैस कांस्टेंट होता है वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर कैलवीन पर मोल ये होता है अपने पास और वन किसी के लिए एन जो है अपने पास वन मोल के लिए है तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो वी क्या हो जाएगा वन इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू टू सेवेंटी थ्री अगर लगभग इनको सॉल्व करें हम तो V लेस देन 22.4 लीटर आएगा ये हमारे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर तो एस पे उसने पूछा कि भैया संपीड़िता इकाई यानी इकाई से कम मतलब एक, आई, एक से कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर आर नाइनटीन नाइनटीन क्या कहता है देखिए द टेंपरेचर विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस लो ओवर विच रेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड यानी जिस वह अधिकतम ताप आप जिस पर वास्तविक गैस आदर्श गैस का नियम पालन करती है आपको पता ही है वो बॉयल टेम्परेचर कहलाता है बॉयल होता है जो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपके पता ही है प्रतिपन और अगर ये कैंकुलट रिड्यूस टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर टी अलग होता है ये अपने पास इन्वर्जन टेम्परेचर अलग होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते क्लियर तो हमारे पास बॉयल टेंपरेचर ऐसा होता है जिस पर वास्तविक गैस क्या होती है आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टwenty इसमें कहता है एट हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर पे क्या होगा देखिए वांडरवाल इक्वेशन हमारे पास होती है P plus a v square v minus b R T ये कह रहा है कि भैया हाई एंड प्रेशर लो आपको पता है हाई पे अगर देखें हम तो हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाता है लार्ज हो जाता है वॉल्यूम लार्ज होगा तो ये लार्ज होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास कट जाएगी ये अगर लार्ज होगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो हमारे पास पी वी इक्वल टू क्या होगी आर टी होगा आपको पता है हाई टेम्परेचर पे इस कंडीशन के ऊपर क्या होता है कोई भी गैस होती है वो आइडियल बिहेव करती है यानी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर तो आप को ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर हमेशा कोई भी गैस होती हो आइडियल बिहेव करती है ए अपॉन वी स्क्वायर यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा लार्ज होगा वॉल्यूम इतना लार्ज हो जाएगा ए कहा गया कि ए अपॉन वी स्क्वायर एंड बी जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं नेग्लिजिबल मान सकते हैं नगण्य हो सकता है नेग्लिजिबल हो जाएगा तो हमारे पास pv rt यानी ऑप्शन नंबर सेकंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एक कहता है द कंसीडर द इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास है z pv rt फर्स्ट कंडीशन कहता है कि करेक्ट निकालना है कौन सा कथन सही है चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन में कहता है z ग्रेटर देन 1 है z ग्रेटर देन वन है दैट मीन्स अगर मैं कब बात करता हूँ आइडियल गैस की या रियल गैस की बात करें हम ये कह रहा है कि आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैस संपीड़ित करना आसान है यानी द रियल गैस इज इजियर कंप्रेस देन आइडियल गैस यानी कंप्रेस नहीं कर सकते अगर यहाँ पे कन्वर्ट करें तो आइडियल गैस की अगर यह कहता है कि रियल गैस होगी उसमें प्रेशर इंक्रीज अगर देखें तो प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा जबकि आइडियल गैस होगा आइडियल गैस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा यही है अपने पास तो ये हमारे पास ऑप्शन है यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैस को संपीडित करना आसान है नहीं कर सकता हम क्या कर सकते हैं रियल गैस को वास्तविक जो तुलना में वास्तविक गैस को संपीडित करना आसान है आसान नहीं है अपने पास ऑप्शन गलत हो गया अपने पास। फिर कहता है अपने पास, Z one, आसानी से संपीडित कर सकते हैं वेन जय डिजिकल टू वन रियल गैस गेट कंप्लीट गेट है कंप्रेस्ड नहीं कर सकते इजीली क्योंकि जय डिजिकल टू जो वन होता है वहां पे वही बात है कंडीशन क्या क्या अप्लाई करेंगे हम कि आइडियल गैस कंप्रेस कर सकते हैं आइडियल गैस आइडियल गैस कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड कर सकते हैं जेड थर्ड ऑप्शन में कहता है जेड ग्रेटर देन वन बट कहता है रियल गैस इज डिफिकल्टी कंप्रेस्ड हां भैया डिफिकल्ट कंप्रेस्ड हो सकता है आइडियल गैस तो हमारे पास क्या कहता है एक्सपेक्ट आइडियल गैस बिहेवियर ऑप्शन नंबर थर्ड अपने को दिया जाता है क्लियर तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड आता है ओके okay? तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू

जीरो होता है आपको सरफेस टेंशन क्योंकि जो सरफेस होती है वाटर लिक्विड की उस लिक्विड की और जो एन सराउंडिंग गैस है उनका प्रेशर क्या होता है ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस सराउंडिंग वेपर सराउंडिंग गैसेस का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है जब ये इक्वल होता है तो इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानी ये जीरो नहीं होता नहीं होता है तो ये अपने पास ऑप्शन गलत और तीसरा होता है कि दिस टेम्परेचर द गैस एंड लिक्विड हैव डिफिकल्ट क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग क्रांतिक ताप नहीं होता सेम होता है तो ये भी गलत ये एक ट्रिपल पॉइंट आता ध्यान में तो वाटर के अंदर अपने ट्रिपल पॉइंट बनता है वहां पे क्या होती है दर वास्त एक साथ रहती है ऐसे ट्रिपल पॉइंट बनते थे ना वॉटर के लिए ऐसे अपना फेज डायग्राम जो बनता है उस फेज डायग्राम पे तीनों फेज क्या होती है एक ही रह सकती है हम कहते हैं उसको ट्रिपल पॉइंट ट्रिक बिंदु वो होता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 22 23 कहता है कि अपने पास क्वेश्चन क्या है कि द वन मोल एसओ टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम 350 फिफ्टी एट 300 हंड्रेड एंड 50 एटीएम प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एसओ टू केस विल बी अब आपको देखिए अगर हम यहां पे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पी वी ये हमारे पास अब देखिए पी की बात करें प्रेशर की देखें तो हमारे पास प्रेशर दे रखा है भैया 50 ए प्रेशर दे रखा है 50 atm वॉल्यूम की बात करें हमारे पास तो वॉल्यूम दे रखा है 350 फिफ्टी वॉल्यूम के बाद में एन दे रखा है वन मोल आर की वैल्यू अगर बात करें हम तो लगभग अपने पास 0.0821 लीटर एटीएम पर कैलवीन पर मोल ये अपने पास है इसके अलावा टेम्परेचर अपने को दे रखा है थ्री हंड्रेड कैलवीन थ्री हंड्रेड कैलवीन है तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे अगर जेड इजिकल टू पुट करता हूँ तो हमारे पास फिफ्टी इंटू थ्री फिफ्टी एम वॉल्यूम हो गया अपॉन वन इंटू जीरो टू हो गया आर की वैल्यू और थ्री हंड्रेड ये हो गया इसको सॉल्व कीजिए हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं हमारे पास तो लगभग 0.71 आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ओके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना इसको सिदा -सिदा है कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस इज डिपेंड Root mean ग्रहम लो अगर आपको पता है तो लॉ क्या कहता है U, R, M, S जो होता है, वो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है अपॉन ये इक्वेशन है तो अगर देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर बात करें तो देखो किस किस पे डिपेंड करता है ये ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है यानी गैस के ताप ताप का कोफ ताप का भी है और एम का भी है तो यानी यू आर एम एस होता है वो टेंपरेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट टेंपरेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड दोनों पे डिपेंड करता है केवल इन पे डिपेंड नहीं करता तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीधे-सीधे क्वेश्चन है तो देखिए

अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन r x1 है तो इसका 2r x1 रहेगा यानी इसका ट्वाइस है तो आपको पता है कि x1 अपॉन x2 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ये है तो ये इक्वल किसके लिए होता है m2 अपॉन m mx1 x2 अपॉन mx1 दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर देखिए तो इसका x1 एक्सप्रेस एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू रूट एम एक्स टू अपॉन एम एक्स वन लिख सकते हैं ये कह रहा है कि एक्स वन अगर एक्स टू एक्स वन है तो ये क्या होगा 2x1 तो 2x1 एक्स वन अपॉन एक्स वन इज टू रूट दे रखा है हमको ये हमको निकालना है एक्स वन का तो इसको सोल्व कर लीजिए ये एक्स वन से एक्स वन कट गया तो टू इज इकल टू रूट एम एक्स टू अपॉन एक्स वन जो कि इसकी वैल्यू हमारे पास सिक्सटी फोर है ही है तो कहेंगे टू इज इकल टू रूट सिक्सटी फोर एम एक्स वन रूट हटेगा इधर स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास ये फोर बन गए फोर इजिकल टू एम अपॉन एम एक्स वन यानी ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए भैया फोर इज टू सिक्सटी फोर अपॉन एम एक्स वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स वन क्या होगा सिक्सटी फोर अपॉन फोर और वो किसके इक्वल होगा सिक्सटीन के यानी ऑप्शन नंबर वन 25 में ऑप्शन नंबर

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द डेंसिटी ऑफ CO2 अंडर 0.1 ATM एंड प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर क्या होगा यानी CO2 का हमको निकालना है डेंसिटी 1 ATM प्रेशर पे तो आपको देखिए डेंसिटी जो होती है डी d p m अपॉन rt होता है तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वन ए है ट्वेंटी सेवन डिग्री है तो डेंसिटी इज इक्वल टू आर पी का वन ए हो गया मास अगर सी ओ टू का देखे तो 44 फोर्टी फोर होता है सी ओ टू का सी ओ टू का मास जो होता है वो फोर्टी मास निकालो सी ओ टू का मास क्या होगा फोर्टी फोर मोलर मास एमएम एम एम मोलर मास फोर्टी फोर आर हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन हो गया इन टू टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा 300 हंड्रेड कैलविन क्योंकि 27 है 27 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा कैलविन में अगर मैं लगभग इसको सोल्व करें तो हमारे पास 0.17 कैलकुलेट होगा ग्राम पर लीटर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्वेंटी सिक्स के अंदर देखिए तो अपने पास ऑप्शन नंबर वन यानी डेंसिटी वही निकालें डेंसिटी कहाँ से फॉर्मूला आया वही पी विजिकल टू एन से एन की वैल्यू पुट करके डी के लिए क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फिर आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वही है द मेथड यूज द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा मेथड यूज करते हैं अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया था पेप्टीकरण होता है जो यूज किया जाता है कोलाइडल के लिए question, question 28. कहता है कि एक कर्व दिया गया देखिए इस कर्व के अंदर अगर आपको पता है कि अगर मैं कर्व की बात करें हम इस कर्व के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है अपने को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया सोचिए देखो पी और वर्सेस में चाह अगर एक क्वेश्चन आपको पता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है होता आपके पास है पी वी इजिकल टू एनआरटी में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं द प्रेशर को मैं कर रहा हूं हायर प्रेशर हाई करते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज लोअर यानी जिस पे टेम्परेचर हाई होगा उसका वॉल्यूम कम होगा तो भैया वॉल्यूम कम किसका है भैया P2 का तो P2 का वॉल्यूम कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा P1 से यानी तो P2 पी P2 किसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड में यानी इससे हमने खाना है प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम क्या होगा लो होगा यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी होता है जिसका प्रेशर लो है तो इसका प्रेशर देखिए यहाँ है इसका प्रेशर यहाँ है जिसका प्रेशर लो होगा वो प्रेशर हाई होगा तो पी टू ग्रेटर देन पी वन ओके ये क्वेश्चन देखनी है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए कहता है कि एक बंद पात्र लेते हैं हम सपोज को देख प्रेशर कंटेन क्लोज वेसल्स इंक्रीज 0.4 व्हेन हीटेड बाय वन डिग्री इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी हम कह रहे हैं कि इसका 0.4 परसेंट को देखो हम कह रहे हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है वन मोल के लिए कैलकुलेट करना है हमको तो पीवी इक्वल टू क्� ये कह रहा है कि प्रेशर को ये क्या कर रहा है क्लोज वेसल्स है इंक्रीज द प्रेशर ऑफ केस कंटेंट इन ए क्लोज वेसल्स इज इंक्रीज पॉइंट फोर जो प्रेशर होता है उसको ये इंक्रीज कर दिया पॉइंट परसेंट यानी इसके इनटू पी के और वॉल्यूम अपनी जगह ही है इक्वल टू आर When, जब हिटेड बाई वन डिग्री इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी भैया यहां पर देख रहे तो इसका प्रारंभिक ताप होना चाहिए कब ये पूरा नहीं है भैया चेक कर लेना इंक्रीज बाई पॉइंट वैन ही इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी यानी अगर उसका टेम्परेचर वन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है हमें तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या काम में लेंगे भैया यानी हमने क्या कर दिया इसमें टी प्लस वन का वन डिग्री कर दिया वेन हीटेड वन डिग्री इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी यहाँ पे एक बंद पात्र में गैस का दाब एक डिग्री गर्म करने पर पॉइंट जीरो थ्री बढ़ जाता है यानी ये देख लो बंद पात्र में गैस का दाब एक डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर पॉइंट चार परसेंट बन जाता है यानी हम टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हैं भैया वन डिग्री और प्रेशर में कितना चेंज कर रहे हैं पॉइंट फोर परसेंट तो परसेंट को उठाएंगे तो सो लेगा इसको सोल्व कर लीजिए भैया इसको वी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी प्लस जीरो पॉइंट फोर अपॉन हंड्रेड पी वी इज इक्वल टू तो आर टी प्लस वन इसमें से पी वी कॉमन ले लीजिए अंदर बचेगा वन पॉइंट जीरो फोर अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू तो आर टी प्लस वन ये अपने पास इक्वेशन बन गई ये इक्वेशन नंबर टू ये क्वेश्चन नंबर वन अगर टू को अपने पास इक्वेशन बन गई है अगर मैं इसको सोल्व करें देखिए तो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या थे इक्वेशन जो है वो टू डिवाइडेड बाई वन इक्वेशन टू को वन से डिवाइड कर दो तो देखिए टू को वन से डिवाइड करेंगे तो पीवी से पीवी कट जाएगा आर से आर कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा वन प्लस जीरो पॉइंट फोर अपॉन हंड्रेड इजिकल टू टी वन टी प्लस अपॉन टी ठीक है ये वन नहीं है टी प्लस वन यानी वन प्लस जीरोल टू टी प्लस वन अपॉन टी ये बन गई है हमारे पास इस इक्वेशन को अगर इसका एलसीएम लेके अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा इसको मैं क्या ले सकता हूँ वन प्लस वन अपॉन टी लिख सकता हूं इसको आगे सोल्व कर लेते हैं भैया आ गए यहां तक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन को हम सोल्व कर रहे हैं यहां पे। पी था हमारे पास इक्वेशन इसको हमने सॉल्व किया था पी वी प्लस पी वी जीरो पॉइंट फोर हंड्रेड इजिकल टू आर टी प्लस वन इसको सोल्व करके हमारे पास पी वी कॉमन ले पी वी कॉमन ले लिया पी वी से करके अगर अपने पास लास्ट जो पीछे इक्वेशन में अपने पास क्वेश्चन क्या बना था पॉइंट जीरो वन पॉइंट फोर अपॉन हंड्रेड इजिकल टू वन प्लस वन अपॉन टी वन ये हो गया इसको अगर मैं सोल्व करता हूं पूरा तो सोल्व कर लीजिए टी है इसको इधर लेके आ जाइए ये इक्वेशन है हमारे पास जैसे करें हमारे पास तो क्या बनेगा हंड्रेड बाई पॉइंट फोर क्योंकि ये one one गया यहां से इधर वन तो वन अपॉन टी या इसको इसको सोल्व कर लीजिए ये कट गया तो हमारे पास जीरो पॉइंट फोर 100 हंड्रेड इक्वल टू वन बाई टी तो टी इक्वल टू क्या होगा हंड्रेड अपॉन पॉइंट फोर तो टी अपॉन क्या हो जाएगा टू फिफ्टी 250 टू फिफ्टी 250 तो हमारे पास अगर क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन इसके अंदर अपने पास कहते हैं v, होता है। अगर के अंदर मैं 10 इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर भी टेन परसेंट तो होगा तो हमारे पास सेक्शन ए के क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट होते हैं उस सेक्शन ए के अंदर नेक्स्ट अपने पास सेक्शन होता है सेक्शन सेक्शन बी के अंदर इंटीजर वाले क्वेश्चन है अपने पास इंटीजर क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए इफ 3.7 ग्राम ऑफ गैस 25 फाइव द सेम वॉल्यूम इज इज देर यानी एक दो गैसेस ली इसने एक हाइड्रोजन गैस ली भाई एक अपने पास एक हाइड्रोजन गैस ले रहा है और एक कोई गैस ले रहा है एक्स इन दोनों को बीच में मिक्स किया कब सेम प्रेशर व्हाट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस नियरेस्ट इंटीजर में इसको निकालना है तो व्हाट विल बी गैस क्या होगा वो चेक करते हैं तो देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि इज इक्वल टू होता है एन आर टी कह रहा है सेम प्रेशर प्रेशर सेम है जब प्रेशर सेम है और सेम वॉल्यूम है तो ये तो सेम हो गया तो चेंज क्या होगा मोलिक्यूल चेंज होंगे आर वैसे गैस कॉन्स्टेंट है इसी तरह पी वी इज इकल टू एन टू आर टी टू हो गया दोनों को अगर इक्वल रखे हम तो हमारे पास होता है N1, T1 N2, T2। ये हो क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम तो क्या है? दोनों का सेम है अब देखिए एन इज इकल टू होता है डब्ल्यू वन अपॉन एम वन टी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू टी टू डब्लू वन है टी वन प्रेशर अगर सपोज करो ये गैस है ट्वेंटी फाइव पे गैस थ्री पॉइंट सेवन ग्राम है तो मैं कहूं थ्री पॉइंट सेवन ग्राम अपॉन मोलर मास उसका अनुपात निकालना है जो हमें पता नहीं है एम वन इन टू ट्वेंटी फाइव का मतलब हो गया आपके टू नाइनटी एट टू नाइनटी एट हो गया इक्वल टू डब्लू टू अपन को दे रखा है जीरो पॉइंट वन एट फोर अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता ही है टू होता है और हाइड्रोजन गैस का है इनटू ये दे रखा है 17 का तो 17 का होगा होगा 290 कैल्विन अगर लगभग लगभग इसको आपको सॉल कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा यहाँ से निकालने हम निकालेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा मैं वन इज़ीकल टू थ्री पॉइंट स इंटू टू अपॉन जीरो पॉइंट वन एट फोर इंटू टू नाइनटी ये हमारे पास इक्वेशन है अगर इसको कैलकुलेट करें हमारे पास तो देखिए अगर इसको कैलकुलेट करो तो अपने पास लगभग लगभग आएगा फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा भैया फोर्टी वन नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा फोर्टी वन का इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास अगर निकाले टू नाइनटी एट तो ये हमारे पास इंटीजर का फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा देखिए वॉल्यूम ऑफ मिथेन हमारे पास है फोर इंटू टेन टू पावर थ्री मीटर क्यूब जिसको कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में टेन टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीटर लेट, हो गया इसके अलावा प्रेशर अपने पास वन ए टी एम है वन पॉइंट जीरो ए टी एम है दे रखा है येरा और टेम्परेचर अपने पास टू नाइंटी सिक्स अपने पास टू नाइन्टी सिक्स कैलविन दे रखा है येरा ठीक है इसके भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है अपने पास मास निकालना है इसका तो मास कैलकुलेट करने के लिए रख क्लियर कर देंगे अपने पास देखिए पीवी वी इजिकल टू आर टी होता है प्रेशर हमारे पास वन है यानी तो पीवी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी है प्रेशर अपने पास है वन एटीएम तो यहां से आपने को डब्ल्यू निकालना है टू तो क्या होगा भैया पी B, M upon RT, तो w equal to, P हमारे पास पास है 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 अपने पास, अगर की बात करें w equal to 16 है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन है मीथेन का मास क्या होगा सी एच फोर का कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का फोर टोटल सिक्सटीन हो गए आर हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन दे रखा है इन अपने पास टेम्परेचर हो गया टू नाइन्टी जो दे रखे हैं वैल्यू वो पुट करना भैया आर की वैल्यू ये है अपने पास वो ये अपने पास सारी वैल्यू है नाइन टू सिक्स कैलविन है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास ट्वेंटी फाइव पॉइंट सॉरी ट्वेंटी सिक्स इंटू टेन टू पावर फाइव आएगा ट्वेंटी सिक्स लगभग ट्वेंटी पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन यानी कैलकुलेशन करोगे तो अपने पास नियरेस्ट इंटीजर के अंदर का मान देखे तो अपने पास आएगा ट्वेंटी सिक्स क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक्स इंटू टेन टू पावर फाइव टू पावर दे रखा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स यानी कैलकुलेशन देख लेना इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या आएगा ट्वेंटी सिक्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड कहता है एक कार टायर फिले नाइट्रोजन गैस थर्टी

यदि आप इसका चालीस कर दे तो टायर फट जाएगा तो किस टेम्परेचर पे वो टायर फटेगा वो हमको टेम्परेचर निकालना है तो अगर देखें तो P हमारे पास डायरेक्टली टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो मैं कहूं P2 टू अपॉन पी वन इज टू क्या होगा T1 वन अपॉन टी होगा अगर सपोज करो P2 इसका 40 है यानी PSI 40 पर हो रहा है और P1 अगर 30 PSI है पी प्रेशर की यूनिट है इज इक्वल टू यानी फोर्टी के ऊपर अपने पास टेम्परेचर क्या दे रखा है भैया ट्वेंटी ये कह रहा है किस टेम्परेचर पर निकालना है तो हमको टी टू निकालना है और टी वन हमको देखा ट्वेंटी सेवन जो तो लगभग क्या हो जाएगा थ्री थ्री हंड्रेड कैलवीन यहाँ से टी टू कैलकुलेट करना है तो टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास फोटी इंटू थ्री हंड्रेड अपॉन थर्टी फाइव अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 342.85 फोर्टी अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड करता हूं तो 69.70 डिग्री सेंटीग्रेड आता है जो लगभग 70 के इक्वल होता है तो अपने पास ऑप्शन इसका इंटीजर क्या हो जाएगा 70। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है 69.70 आ रहा है तो किसमें करेंट हो जाएगा 70 में इक्वेशन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए डेंसिटी ऑफ दे रखी है आपको डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव के जी पर मीटर क्यूब वेन द स्विस्ट ऑन द प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम फोर पास्कल टू इंक्रीज वेलोसिटी रूट मीन वेलोसिटी स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है यू आर एम एस पूछा आपको कि का एक गैस का घनत्व आपको दे रखा है उसके दाब दे रखे हैं और डब्लू अगर मैं यहाँ काउंट करें तो देखिए अपने पास पी1 अपने पास हो गया लगभग फोर पास्कल और जो पी2 है वो हमारे पास हो गया 25 पास्कल 25 पास्कल है क्लियर अब अगर देखिए यू आर एम एस अगर इसके फॉर्मूला अगर आप काउंट करें तो हमारे पास क्या होता है रूट थ्री आर टी अपॉन एम होता है आपको पता है पी वी अपने पास पी वीजिकल टू क्या होता है आर टी एन आर टी वन मोल के लिए लिखा एक गैस है अगर मैं कहूँ पी वी जिकल टू आर टी होता है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आर एम एस इजिकल टू क्या हो जाएगा थ्री पी वी अपॉन एम अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं थ्री पी वी अपॉन डी ये इक्वेशन होती है अब ये कह रहा है कि वृद्धि पूछी है तो कितनी वृद्धि होगी मतलब उनका डिफरेंस निकालना है तो मैं कहूं कि डेल यू आर एम एस कैलकुलेट करना है तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं थ्री अपॉन डी रूट रूट पी वन तो थ्री अपने पास है रूट थ्री अपॉन जीरो पॉइंट सेवन फाइव अपन को डेंसिटी दे रखी है डेल यू आर एम एस निकालना है P2 हमारे पास 25 है और P2 टू अपने पास 4 पास्कल है इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 5 माइनस टू हो जाएगा और 5 माइनस टू यानी 3 के इक्वल हो जाएगा तो अपने पास रूट फोर इंटू फाइव माइनस टू जो क्या होगा रूट टू इंटू थ्री रूट फोर इंटू रूट फोर क्या होता है टू इंटू थ्री जो इक्वल किसके होगा सिक्स के तो हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा सिक्स का हो जाएगा यानी ये इक्वेशन काम में आएगी भैया आपने यानी पी टू माइनस पी वन थ्री अपॉन डी तो कॉमन आ जाएगा ये फार्मूला यहाँ से फॉर्मूला फूट हो जाएगा अपने पास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट सकते हैं तो अपना इंटीजर क्या आ जाएगा सिक्स ओके फोर पास्कल दिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का फाइव में क्या है एसओ टू गैस दे रखा है आपको कह रहा है कि ट्वेंटी डेसीमीटर एसओ टू एसओ टू डिफ्यूज थ्रू है

एमके ये भी तो होता है अगर इन दोनों को मैं स्कोर इसको कंपेरिजन करूं आर आर का बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है देखिए वी अगर एक दोनों गैस का लेते हैं तो हमारे पास वी एस ओ टू अपॉन टी एस ओ टू लिख सकता हूं या कह सकता हूं टी ओ टू अपॉन वी ओ टू लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ ओ टू हमारे पास इक्वल होती है तो रूट एम ओ टू अपॉन एम एसओ टू लिख सकते हैं ऐसे ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एसओ टू वो हमारे पास ट्वेंटी है एसओ so टू का वॉल्यूम ट्वेंटी दे रखा है टाइम इसका देखे तो हमारे पास ये थर्टी दे रखा है ओ टू का टाइम कितना दे रखा है थर्टी सेकेंड यानी ट्वेंटी अपॉन एसओ टू का वॉल्यूम सिक्सटी है और अपने को वी ओ टू निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओ2 इज इक्वल टू मास निकाले हैं, तो ओ2 का जो मास होता है वो 32 होता है ये 64 होता है अब यहाँ से हमको ओ2 निकालना है भैया v2 v o2 निकालना है ओ2 का वॉल्यूम क्या होगा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट गया ये अपने पास 3 2 6 ये 10 हो जाएगा बाकी ये 32 है 32 का होगा 1 2 1 2 हो जाएगा लगभग इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है 14.14 .14. इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 14 14.14 लीटर आता है इसका तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 14 क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव सब्सटेंस हाउ मेनी सब्सटेंस गिवन है पॉजिटिव चार्ज सो पॉजिटिव चार्ज सो कौन-कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है तो देखिए अगर मैं इनकी बात करता हूँ पॉजिटिव सोल की अगर बात करें तो अपने पास एफ ई टू प्लस जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं मेटल ऑक्साइड वो क्या होते हैं पॉजिटिव होता है हीमोग्लोबिन अपने पास पॉजिटिव होता ही है अपने पास इसके अलावा अपने पास जो क्या कहते हैं डाइस होती है वो हमारे पास क्या होगी हीमोग्लोबिन होगी डाइज होगी वो भी पॉजिटिव होती है और टाइटेनियम ऑक्साइड है वो भी पॉजिटिव होता है ये अपने पास सी डी एस है मेटल सल्फाइड ध्यान में तो नेगेटिव में आता है ईसिन है वो भी नेगेटिव में आता है गम है वो भी नेगेटिव में आएगा और मेटल सल्फ सल्फाइड होंगे वो भी नेगेटिव में होंगे और गोल्ड होता है वो जितने भी मेटल होते हैं वो खुद नेगेटिव में होता है मेटल यानी ये नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया मिथाइलिन ब्लू ये टाइटेनियम ऑक्साइड पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव ये ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए टोटल अगर निकालें, फोर हो गए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा फोर होते हैं इसमें टोटल धनात्मक सोल कौन कौन से फोर टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआर क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में क्या कहता है फॉर द कोगुलेशन ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल टू एम एल of वन m एनएसएल इज रिक्वायर्ड व फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ एन एस एल एनएसएल की उन्वन संख्या का मान क्या होगा देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि वैसे फ्लोकुलेशन value होती क्या है तो कहते हैं minimum minimum amount of electrolyte of electrolyte require electrolyte required to cause precipitation precipitation of precipitation of one liter of one liter of colloidal of a colloidal solution. Any the minimum amount of electrolyte required to cause precipitation of one liter of one liter कोलाइडल सॉल्यूशन एक लीटर कोलाइड सॉल्यूशन को कोगलेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट होता है तो ये कह रहा है कि भैया 250 ml को 250 ml के तो हम कहेंगे 500 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है उसके लिए 2 ml mm की रिक्वायरमेंट होती है भैया तो बताइए वन लीटर के लिए कितनी होगी यानी 1000 जिसको हम कह सकते हैं 1000 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड के लिए क्या लेंगे हम 4 ml तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 04 ठीक तो डेफिनेशन से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द डेंसिटी ऑफ गोल्ड गोल्ड की डेंसिटी आपको दे रखी है इसके लिए ऑफ गोल्ड डिस्पर्स इन वन लीटर वाटर गिवन ए सॉल स्फेरिकल गोल्ड पार्टिकल इज रेडियस आपको दे रखी है नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल पर एमएम क्यूब पर एमएम क्यूब कैलकुलेट करना है देखिए कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गोल्ड गोल्ड का वॉल्यूम कितना है अपने पास वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया एम अपॉन डी मास अपॉन और डी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस फोर मास दे रखा है येरा सॉरी एक ग्राम इफ इतना ग्राम दे रखा है 1.9 पॉइंट नाइन डेंसिटी अपने को दे रखी है नाइनटीन ग्राम दे रखा है अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास वन इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर क्यूब आता है ये अपने पास वॉल्यूम हो गया फिर कहेंगे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पार्टिकल अब यहां क्या कर रहा है कि गोल्ड इज डिस्पर्सिंग वन लीटर वाटर सॉल्यूशन हैविंग स्पेरिकल गोल्ड स्पेरिकल है तो स्पेरिकल का मतलब क्या हुआ स्पेयर फॉर्म में और स्पेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो अपने पास फोर बाई ये अपने पास ट्वेंटी टू आर क्या होती है टेन एन दे रखा है इस एन को मेरे को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो टेन टू पावर क्या लिखेंगे माइनस सिक्स लिख लेंगे टेन टू पावर माइनस सिक्स क्यूब निकल जाएगा अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास लगभग अप्रोक्स वन पॉइंट फोर पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन सेंटीमीटर क्यूब आएगा भैया इसको एन को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया हमने यानी टेन इंटू टेन टू पावर सेवन से हो जाएगा जो किसके इक्वल तो हमारे पास आ गया ये फिर निकालेंगे द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कुल कणों की संख्या क्या होगी हमारे पास वो अपने पास होगी वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव अपॉन फोर पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन यानी गोल्ड का गोल्ड गोल्ड का वॉल्यूम इतना है इसका पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है तो डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आएगा टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व पार्टिकल आ जाएंगे इस ट्वेल्व ट्वेल्व पार्टिकल वन लीटर सोल्यूशन है इसको टेन टू पावर क्या निकालेंगे पर एम mm निकालना है अपने पास टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व हो गया अब देखिए कहेंगे 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व पार्टिकल पार्टिकल ऑफ गोल्ड पार्टिकल ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम द नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर mm cube. क्यूब ये निकालना है तो 2.4 10 फोर इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व अपॉन टेन टू पावर माइनस थ्री इंटू टेन टू पावर नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे Equal to, अगर इसको सोल्व करते हैं टू पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू पावर सिक्स आएगा इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो हमारे पास क्या होगा टू तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट हो गया टू तो अपने पास क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो जाएगा टू तो पर्टिकुलर इस तरह से इसको कैलकुलेट राइट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन क्या कहता है ऑन एडिंग वन एम ऑफ सॉल्यूशन टेन परसेंट ऑफ एन इन टेन एम एल गोल्ड सोल प्रेजेंस ऑफ पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो ऑफ स्टार्च द कोगुलेशन ऑफ जस्ट प्रिवेंट व्हाट विल बी द कोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च स्टार्च का गोल्ड नंबर निकालना है आपको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कहते हैं स्टार्च जो स्टार्च होता है वो लिया गया है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ग्राम फाइव जीरो ग्राम में लिया गया है भैया ये अपने पास है अगर इसको 1000 पर मिलीग्राम निकालना है तो 0.0250 पॉइंट जीरो मिलीग्राम हो जाएगा मिलीग्राम में लेना होता है ध्यान रखना कोगुलेशन वैल्यू तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 मिलीग्राम यानी वन अमल वन अमल गोल्ड को गोल्ड को प्रेस गोल्ड नंबर निकालना है तो कहता है ना वन टेन परसेंट एन एल टेन एम एल गोल्ड सोल टेन एम एल गोल्ड सोल के अंदर मिलाते हैं तो मिलीग्राम में लेते हैं तो अपने पास क्या होगा ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम तो क्या कहेंगे गोल्ड सोल जो होगा वो टेन एम एल है और वन एम एल ऑफ टेन परसेंट एन ए सी एल है सोल्यूशन तो गोल्ड टेन परसेंट एनिशियल सोल्यूशन है टेन एम ये है तो इसको मिलाने के लिए हमारे पास कितना रिक्वायरमेंट होगा ट्वेंटी तो हो तो का है सीधा कैलकुलेट करना है, 10. 10 में कहता है, दे है आपको फ्रेंडलिस्ट के अंदर फॉर फ्रेंडलिच ए आइसोथर डायग्राम फ्लोट किया गया है अगर फ्रेंडली आइशोथर हम कह रहे हैं कि एम इक्वल टू के पी की पावर वन अपॉन एन होता है इसका दोनों तरफ लोग ले लीजिए भैया लॉग x अपॉन एम इक्वल टू लॉग के पी की पावर वन अपॉन एन इसको लिखे लिख सकता हूँ ऐसे लॉग x अपॉन एम इक्वल टू लॉग के यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग पी पी है वो पावर है वो आगे आ जाएगी एन के अंदर तो अगर ग्राफ इसके बीच में और ये कह रहा है कि प्लॉट लॉग एक्स अपन ही लॉग पी के बीच में और ग्राफ इसके बीच में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ हो गया हमारे पास वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ हो गया इसको कैलकुलेट करना है हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया तो अगर इनको निकालना है तो अपने पास देखिए यहां पे देखो ये तो हो गई हमारे पास स्लोप लॉग के ये तो हो गया अंतखंड जिसको कहते हैं इंटरसेप्ट इसकी वैल्यू हमको दे रखी है जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन जो कि वैल्यू होती है थ्री की इसके अलावा जो स्लोप है इसका वन अपॉन एन वो हमको दे रखा है टू ये दे रखा है तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है वापस अपने इसे फार्मूले में तो फार्मूले में अगर पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एम इक्वल टू के की वैल्यू दे रखी है अपने पास के की वैल्यू थ्री तो होगी ना यहाँ पे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास थ्री तो थ्री इन टू प्रेशर हमारे पास इसने कर रखा है कि लो आपको सीधा सीधा निकालना है यहाँ पे अपने पास वन अपॉन एन की पावर दे रखा है अपने को

इसको लगभग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट हो जाएगा की पावर अगर इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आता है फोर्टी एट के आसपास इसका अपना पास इंटीजर क्या हो जाएगा फोर्टी एट यह हमारे पास क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आ जाते हैं वो देखते हैं ओके Thank you.